हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो कैपिटल वेस्टिंग हुआ, लीजिंग हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सबसे इजी चैप्टर पढ़ने जा रहा है, और जिसका नाम है डिविडेंड। इसको डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। सर, इस डिविडेंड डिसीजन में, ये डिविडेंड पॉलिसी में हम लोगों को क्या पढ़ना, पहले ये बताइए। और ये बताइए कि ये कितना है? 3 ही लेक्चर्स, और 3 लेक्चर्स में ये सब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चैप्टर, और इसमें से आधे से ज्यादा आपने सिक्योरिटी एनालिसिस में कवर कर लिया है, तो हमको बिल्कुल समस्या नहीं होनी है डिविडेंड में। अब ये बताओ, डिविडेंड समझते हो? हाँ सर, डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है, तो क्या सबकी सब जितना भी मैं कम में कंपनी मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूं, क्या मैं सारे शेयर होल्डर्स को पूरा की पूरा पैसा बांट देता हूं? नहीं सर, आपने अगर 1 लाख रुपए कमाया है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए डिविडेंड दे देते हो शेयर होल्डर को। मैं बात किसकी करूंगा? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की। कुछ ऐसी भी कंपनी है जो 50,000 रुपए डिविडेंड दे रही है 1 लाख रुपए कमाकर, कुछ ऐसी भी कंपनी है जो 25% ही डिविडेंड देती है 25,000। तो सर, हमें यहां क्या सीखना बेटे? बस इतनी सी बात है, सुनना ध्यान से। हम पहले 1 लाख रुपए कमाते थे और 25,000 डिविडेंड बांटते थे। कमाते कितने थे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। डिविडेंड कितना दे रहे थे? 25,000, 25,000। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलो कमाएंगे तो 1 लाख, लेकिन डिविडेंड बांटेंगे 50,000। तो क्या शेयर की वैल्यू पर, शेयर की मार्केट प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सवाल बस सुनना ध्यान से। 1 लाख रुपए पहले भी कमाते थे, पर डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कितना देते थे? 25,000। अभी भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, पर अब डिविडेंड कितना देने का सोच रहा है? 50,000। हम सोचेंगे यार शेयर की प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा। सवाल बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेयर के प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो। तो शेयर देखो, शेयर का प्राइस कैसे निकलता है? D1 / KE - G, ये शेयर का वैल्यू निकले। तो सर, डिविडेंड ज्यादा रहेगा तो शेयर का प्राइस में भी तो फर्क पड़ेगा। बेटे बात समझो, पहले कितना कमा रहे थे? 1 लाख। अभी भी कितना कमा रहे? 1 लाख ही कमा रहे। कुछ स्पेशल काम किया क्या? नहीं। तो भाई शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? एक शेयर की प्राइस निकालने का और एक फॉर्मूला याद है आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो वाला, ईपीएस। ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ईपीएस पहले भी उतना था, अभी भी उतना, तो शेयर की प्राइस पर कैसे फर्क पड़ेगा? बहुत समस्या है। अब हम सोच रहे हैं डिविडेंड के चेंज होने से डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो समझ रहे हो ना? हाँ सर, पहले 25% था, अब हम प्रॉफिट का 50% डिविडेंड देते हैं, तो क्या शेयर की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दो अलग अलग सोच है बेटे, डिविडेंड थ्योरी पढ़ेंगे हम। पहला रेलिवेंट थ्योरी, दूसरा इरेलीवेंट थ्योरी। सर रेलिवेंट थ्योरी ये बोलता है कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ता है। दिस इज रेलिवेंट थ्योरी। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो इज अ रेलिवेंट, रेलिवेंट है फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, आप ऐसा भी बोल सकते। दिस इज रेलिवेंट। डिविडेंड कितना दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ये इरेलीवेंट पॉइंट नहीं है, रेलिवेंट पॉइंट है। दिस इज रेलिवेंट थ्योरी। इट मीन्स कि शेयर का प्राइस इफेक्ट होगा किससे? डिविडेंड कितना दे रहे हो उस बात पर डिपेंड करता है। दूसरी आती है इरेलीवेंट थ्योरी। इरेलीवेंट थ्योरी बोलती है कि भैया शेयर का प्राइस, डिविडेंड आप कितना भी दो, कम दो ज्यादा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट है कि आप कमा कितना रहे हो। आप कमा उतना ही रहे और डिविडेंड कुछ कम ज्यादा करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स, अर्निंग्स। दिस इज इरेलीवेंट थ्योरी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो के चेंज करने से शेयर की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करनी है। पहला रेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलता है? रेलिवेंट थ्योरी ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर।
उसमें दो लोगों के मैटर पे बात करूंगा, एक गॉर्डन, पहले वॉल्टर पढ़ेंगे फिर गॉर्डन, दो लोग हैं। वॉल्टर कहता वॉल्टर्स, और एक क्या बोलता वॉल्टर कि शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। एक और है गॉर्डन, वो भी यही बात बोलता। दूसरा है मॉडी ग्लानी मिलर्स, एमएम बोलते हैं, एमएम पहले भी पढ़ा होगा आईपीएस। वो बोलता है भाई शेयर के प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंपॉर्टेंट क्या है अर्निंग, कमा उतना ही रहो। तो दो थ्योरी पढ़ाना है मुझे, और कुछ बातें डिविडेंड पॉलिसी पे भी डिस्कस करना। सर डिविडेंड पॉलिसी मतलब एक कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड ऐसे देती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, हर बार भाई कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, तो 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए, फिर एकदम से अर्निंग बढ़ेंगी तो हम एकदम से ग्रो कर देंगे, डिविडेंड भी ज्यादा देंगे पर स्टेबल रहेगा, कम से कम शेयर होल्डर खुश रहे, उनको एक पक्का तो रहे कि हमको डिविडेंड मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कुछ कंपनी ऐसी होती है बोलते नहीं, जितना कमाओगे भैया उसके हिसाब से हम डिविडेंड देंगे, दिस इज फ्लक्चुएट होगा डिविडेंड। अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी भी होते हैं रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। सर रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में हमने कमाया, बहुत अच्छी बात है, कमान अब डिसीजन क्या लेना, डिविडेंड दे कि नहीं, बोले रुक जाओ पहले देखो क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हाँ अगर है तो वहां इन्वेस्ट करो और उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो आप डिविडेंड दोगे, दिस इज रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। तो मुझे किन मैटर्स पे बात करनी, मुझे दो मैटर्स पे बात करना, एक डिविडेंड थ्योरी जिसमें रेलिवेंट इरेलिवेंट, और दूसरा मैटर है डिविडेंड पॉलिसी जिसमें मैं बात करूंगा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के मैटर पे, और बात करेंगे हम लोग रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी के मैटर पे। तो डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन मीन्स अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस अर्निंग्स रिटर्न। हमें बस ये डिसाइड करना कि अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या अर्निंग को रिटर्न कर दे। कभी कभी थ्योरी आता है 5 नंबर का, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड, जो जिस पर डिपेंड करता है कि डिविडेंड कितना देना चाहिए, तो वो लिख लेते भाई, काम की चीजें हैं तो हो सकता है, थ्योरिटिकल है। देखो क्या फैक्टर्स, अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। हम प्रॉफिट कमाएं, अब हमको डिविडेंड देना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये जो जिस पर डिपेंड करता है कि डिविडेंड कितना देना है। सर पहला फैक्टर सुनना ध्यान से, आपके जो प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा, फर्स्ट फैक्टर कौन सा फैक्टर सोचते हैं? पहला फैक्टर है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आपकी कंपनी में सारे के सारे ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनका घर सिर्फ डिविडेंड के बेस पे चलता है, डिविडेंड मिलेगा तो हमारा घर चलेगा, मतलब उनकी मेजर इनकम डिविडेंड इनकम है, क्या हर कोई शेयर यही सोच के खरीद रहा है कि हमें डिविडेंड की इनकम होगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसमें छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यार बस इन्वेस्ट कर दिया, हमको हर साल डिविडेंड मिलता रहे, बात खत्म। जबकि कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स वगैरह होती है जो पैसा लगाती है, उनका काम डिविडेंड नहीं होता, उनका काम होता है शेयर का प्राइस बढ़े, दैट्स इट। तो अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो डिविडेंड देने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और एक्सपेक्टेशन कैसे पता लगेगी कि आप ये देखोगे कि आपकी कंपनी के शेयर्स, ज्यादातर शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने खरीद के रखा है
या फिर इंप्लॉई जो सैलरी एम्प्लॉय उन लोगों ने खरीद, भाई सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता होगा शेयर खरीदने का, ठीक है। तो फर्स्ट पहला फैक्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, दूसरा सेकंड सर इसके अलावा और डिविडेंड कितना देना ये कैसे डिसाइड हो पाता होगा। अब एक बात बताओ यार, मुझे एसएफएम की फीस सेट करना, एसएफएम की कितना फीस लूँ, कैसे पता लगाऊं कि मैं मुझे एसएफएम की फीस कितना लेना। एक ही तरीका है कि यार मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, पहले मैं उनकी फीस पता कर लेता हूँ सेम इंडस्ट्री, अगर वो 5-7 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे तो मैं भी उतना ही चार्ज करूँगा, अगर वो 10,000 तो मैं भी उसी के आसपास। तो जनरली हम क्या करते हैं डिविडेंड, मान लो आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में हम बाकी जैसे विप्रो को है तो वो देखेगा यार टिस्को ने डिविडेंड कितना दिया, उसने 10% दिया ना तो हम भी 10 देंगे। तो ऐसा भी एक ट्रेंड क्या चल रहा है इंडस्ट्री का ये भी देखोगे, ये भी एक फैक्टर है जो जिससे पता लगता है कि डिविडेंड कितना देना है। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, और भैया इंडस्ट्री में ट्रेंड कुछ भी क्यों ना चले, एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, पर डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी, तभी तो डिविडेंड, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे डिविडेंड कैसे दे दोगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सर मान लो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट कमाया, कैश ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट तो कैश भी होगा, कैश ही नहीं है वो भी तो जरूरी है, कैश नहीं है तो डिविडेंड कैसे दोगे। तो और एक चीज लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश 5 सर, और क्या चीज हो सकता, और सोचते हैं मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, कैश भी है, अब मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, पता लग रहा कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है यार, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो आपको यह भी तो देखना पड़ेगा डिविडेंड देने के पहले कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ है या नहीं है आपके पास। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इनहैंड 6 सर, और बताइए और बहुत सारी चीजें हैं टैक्स के। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा जितना जितना प्रॉफिट कमाया क्या सबके सब डिविडेंड दे दूं। सर पहले चलता था कि यार 10% डिविडेंड देना तो कोई बात नहीं, अगर 10 से ऊपर देना तो रिजर्व में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, पहले चलता था, ठीक है, अभी वो कंपनी लॉ के प्रोविजन हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेबी बीच में, और सेबी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता, मैं सर सेबी क्या बात करता बेटे, आप डिटेल में पढ़ लेना, मैंने आपको दे रखा थ्योरी के नोट्स, इट मीन्स आपको लीगल एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर, इसके अलावा सर और क्या है, टैक्स एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट, टैक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है डिविडेंड पहले सीडीटी चल से पहले डिविडेंड टैक्सेबल था शेयर होल्डर्स के हैंड में, हाँ सर, फिर सीडीटी आया, सीडीटी मतलब समझ रहे हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी आप बोलो, कि डिविडेंड के देने पर अब कंपनी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि यार कितना टैक्स बनता है डिविडेंड देने से, अगर हम डिविडेंड नहीं देते आप ही के पैसों को हम बचा के रखते तो वो तो बचेगा ना, तो ये टैक्स वैक्स भी बहुत कुछ है, तो इफेक्ट ऑफ टैक्स भी देखना पड़ेगा। अब एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो ये कंपनी ठीक है भाई, अल्टीमेटली जो रिटर्न अर्निंग है, रिटर्न अर्निंग जो कमाया वो किसके लिए कमाया, शेयर होल्डर्स के लिए, तो हम शेयर होल्डर से पूछे कि भाई एक बात बताओ, आपको अगर हम दे देते तो आप कितना कमाते, तो ये कह रहे हम 15% कमाते, तो आप देखो सुनना ध्यान से बेटे, शेयर होल्डर क्या बोल रहे, शेयर होल्डर बोल रहे देखो आप हमारी कमाई को यूज कर सकते हो,
पर अगर आप डिविडेंड दे देते हो तो हम उस पैसों से 15% तो कमाएगी कमाएगी। अब कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है शेयर होल्डर आप चिंता मत करो, हम आपको 15% देंगे, आप ही के पैसे से हम कहीं प्रोजेक्ट में लगाएंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, मैं इक्विटी की बात करूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई, इसको आप केई बोलते हो। इट मीन्स ये हुआ कि अगर कंपनी इनके पैसों को अर्निंग, अर्निंग किसका है, इक्विटी शेयर, इन अर्निंग को यूज करती है, तो इस अर्निंग के बदले में कंपनी को कम से कम 15% तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 15%। अब कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, वही रिटर्न अर्निंग वाला, और उससे मान लो 20% कमाएंगे, दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सवाल है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, अर्निंग को क्या इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि डिविडेंड दे देना चाहिए। अब मैं कंपनी में पूछ रहा हूं शेयर होल्डर कितना परसेंट चाहिए आपको, उन्होंने कहा 15, मैंने कहा मैं 20 कमा कर दूंगा, चिंता किस बात की, बिल्कुल सर आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हां अगर प्रोजेक्ट में लगाने से 10% मिलता तो भैया हाथ जोड़ लो, आप ही का पैसा ये ले जाओ, हम नहीं कमा सकते आपके लिए 15% क्योंकि हम 10% ही कमाएंगे। इट मीन्स दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में लगाना तो प्रोजेक्ट से इतना कमाओ कि शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर दीजिए, बात खत्म। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्सेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें सोचना पड़ेगा डिविडेंड देते समय, ये फैक्टर्स है जिससे डिविडेंड कितना देना है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गई थियोरिटिकल बातें, मैंने कहा मुझे दो चीजों, दो पार्ट में कवर करना है, एक डिविडेंड थ्योरी और एक डिविडेंड पॉलिसी। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 डिविडेंड थ्योरी। हां तो बच्चों अब मैंने कहा दो पार्ट में करना, तो पहले लिख रहा है पार्ट नंबर 1 और इसका नाम है डिविडेंड थ्योरी। और पहले डिस्कस कर चुका है डिविडेंड थ्योरी में, मुझे दो टाइप की थ्योरी पढ़ानी है आपको। एक पढ़ना आपको रेलिवेंट थ्योरी, और दूसरा पढ़ना आपको इरेलीवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलता है ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, रेलिवेंट थ्योरी। बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड affects the wealth of shareholders. It means डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट
टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें दो लोगों के विषय में पढ़ोगे, एक तो पढ़ना आपको वॉल्टर्स मॉडल और दूसरा पढ़ना आपको गॉर्डन्स मॉडल। इररिलेवेंट थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड does not affect the wealth of shareholders. That is, it means dividend decision. Is not relevant. Two, calculate value of share. और इसमें तो एक ही पर्सन है जिसका नाम है मोडिग्लियानी एंड मिलर्स मॉडल। हम इसको आगे से MM मॉडल बोला करेंगे, MM मॉडल, ठीक है। तो इन दो पार्ट में हमको काम करना है, एक तो डिविडेंड थ्योरी करनी है, दूसरा डिविडेंड पॉलिसी करनी है। और डिविडेंड थ्योरी में रेलिवेंट इरेलिवेंट, तो रेलिवेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्टर्स की। गॉर्डन्स मतलब सर, गॉर्डन्स मतलब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये वही है जो आपने सिक्योरिटी एनालिसिस में किया हुआ है, फिर भी मैंने इसके फॉर्मूले वगैरह लिखवाए हैं। तो पहले किसकी बात करें, वॉल्टर्स मॉडल। तो लिखोगे फर्स्ट रेलिवेंट थ्योरी के अंदर वॉल्टर्स मॉडल। फर्स्ट वॉल्टर्स मॉडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्टर्स बोलता क्या है। ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है बेटे, इनका कहना है ये है आपकी कंपनी, बहुत अच्छी बात है। आगे उन्होंने क्या कहा, बोले ये है शेयर होल्डर्स और ये है अर्निंग्स जो आपने कमाया, अर्निंग्स। अच्छा, आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो, आपके पास प्रोजेक्ट भी है। अब वॉल्टर्स बोलता है कि बस हमें तो यही डिसाइड करना है ना कि इन अर्निंग्स का क्या करना। बेटे वो दो ही तरीके, अर्निंग्स को जो मेरे पास पैसा है उसको दो ही, अब उनको खर्च कैसे करें, दो ही तरीके। या तो ये जो पैसा मैंने कमाया है मैं अपने शेयर होल्डर को पैसे दे दूं खुश, या तो इन लोगों को पैसे दे दिए जाए, या तो मैं इन शेयर होल्डर से बोलूं कि सुनो शेयर होल्डर पैसा आप ही का है, आप ही को मिलेगा, पर अभी उन पैसों को मैं आपको अभी ना देकर मैं एक प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं। अब बस मुझे ये डिसाइड करना कि इन पैसों को बांट दिया जाए कि प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए, बस और कुछ नहीं बोलता। अच्छा सर ये कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले शेयर होल्डर से पूछिए आप, उन्हीं का तो पैसा, उन्हीं की तो अर्निंग,
कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। अच्छा, और जो आपको चाहिए ना वो मेरे लिए कॉस्ट है, मैं उतना कमा कर दूंगा। मतलब सबसे पहले इनसे पूछना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए, और इनको जो चाहिए कंपनी या जो अर्निंग्स है ना, इसके बदले में हम आपको कमा कर देंगे। इन अर्निंग्स को अगर हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन, आप कितना परसेंट चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे के ई। अब हमने शेयर होल्डर से पूछा तो इन्होंने कहा हमको ना 12% चाहिए भाई, हमारी अर्निंग में 12%। किसने कहा ये बात? शेयर होल्डर्स ने। हमने कहा रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ। या तो बोले, देखो शेयर होल्डर बोल क्या रहा है, बोले अगर आप हमको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, अर्निंग को यूज कर रहे हैं तो कर लीजिए, पर हमको इस पे 12% कमा कर देना पड़ेगा। उनका रुक जाओ, मैं प्रोजेक्ट से पता करता हूं कि कितना रिटर्न मिलेगा। अब प्रोजेक्ट से अनुमान लगाया कि फ्यूचर में जितना उतना प्रॉफिट होगा, इतना कैश फ्लो आएगा, और मैंने रिटर्न निकाल लिया कि प्रोजेक्ट से तो मुझे यार हर साल 15% मिलेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, सोच समझ के बता था। अच्छा सर, इसको भी तो कुछ बोलते हैं। हाँ, इसको IRR बोलते हैं, हम आगे से R ही बोला करेंगे, 15%। सवाल ये है कि पैसा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, कितना कॉस्ट पड़ रहा है। 12% 12% वो हमसे चाह रहा है, और उनके पैसों को अगर हम प्रोजेक्ट में लगाते तो कितना कमाएंगे, 15। क्या करें सर, लगाओ प्रोजेक्ट में, 15 कमा कर दे रहा है ना यार, वो 12% की उम्मीद कर रहा है और आप तो 15 कमा कर दे रहे हैं, तो यस हमें प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? बिकॉज आर इज मोर देन के। अच्छा सर, मतलब आप ज्यादा कमा रहा। सर भगवान ना करे ये 10% रहता, तो सोचो शेयर होल्डर हमसे कितने परसेंट की उम्मीद कर रहा है, 12, और उनके पैसों को यूज करके हम कितना कमाएंगे, 10%। भाई मत कमाओ, मत करो प्रोजेक्ट। शेयर होल्डर से कहो ये लो भाई ये पैसा आपका, आप ही का पैसा है, हम उतना नहीं कमा पाएंगे जितने आपको उम्मीद है, आप खुद ही लगा के कमा लेना। तो अब पूरा डिविडेंड दे दीजिए, सुनना ध्यान से। सर अगर ये 15% रहता तो मैं एक पैसा डिविडेंड दे, कुछ डिविडेंड नहीं देता, एक पैसा भी नहीं, पूरा की पूरा मैं प्रोजेक्ट में लगा देता पैसा, क्योंकि मैं 15 कमा रहा हूं। अच्छा अगर सर ये 10% होता तो मैं प्रोजेक्ट में एक पैसा नहीं लगाता, जितनी भी कमाई है सबकी सब डिविडेंड दे देता। सर इसका मतलब आप बोल रहे या तो दो तो पूरा दे दीजिए, हाँ, या तो कुछ भी मत दीजिए। हाँ बेटे, वॉल्टर्स यही बोलता, वॉल्टर्स बोलता है पूरा की पूरा खेलना दो ही चीजों पे है, कौन कौन सा, आर और के ई। अगर आर ज्यादा है के ई से, आर ज्यादा है मतलब आप ज्यादा कमा सकते हो, तो पूरा प्रोजेक्ट में लगा दो, डिविडेंड पे आउट रेशो कुछ नहीं, 0%। पर अगर आर कम है, आर कम है तो आप के ही ज्यादा है, तो पूरा की पूरा डिविडेंड, जो ज्यादा वो काम करो, पूरा डिविडेंड दे दीजिए, बात खत्म, आप नहीं कमा पाओगे इतना। तो दो चीजों का खेल है, किस किसका, के ई और आर का। शेयर होल्डर की वेल्थ ज्यादा कब आएगी वो किस पे डिपेंड करता है, आर और के ई पे। अच्छा सर अगर आर भी 12% और के ई भी 12%, फिर वॉल्टर बोलता फिर आप डिविडेंड दीजिए मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या बात कर, बस यही बात को प्रूव करना है हमको, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा तो तीन चीजों का खेल है पूरा, तो वो तीनों पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं 1 by 1। वॉल्टर क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर, इज मोर देन कॉस्ट, ऑफ इक्विटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, के, देन आर ज्यादा है, क्या करे, लिखा ऑल अर्निंग्स शुड बी रिटेन
एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 पर, डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फिर उसने बोला इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आर इस लेस देन 10, भाई आप ज्यादा नहीं कमा पा रहे तो क्या करोगे? देन ऑल अर्निंग्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल 200, पूरा की पूरा डिविडेंड दे दीजिए, कोई रिटेंशन नहीं होगा। तीसरी बात, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट That is R is equal to cost of equity. Then डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये तो एमएम जैसा हो गया। हाँ बेटे, बोलता आर और के ही, आर और के अगर इक्वल है तो फिर डिविडेंड आप 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए कमाए ना, 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए 8 रुपए जितना देना है दो, शेयर होल्ड का प्राइस शेयर का वैल्यू हमेशा उतना ही आएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया जी सर। वॉल्टर्स फॉर्मूला, अब वॉल्टर्स ने वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला बताया है। तो वैल्यू पर शेयर मतलब P0, उसने कहा डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय के होल डिवाइडेड बाय के। अच्छा सर, P0 का मतलब करंट प्राइस, करंट वैल्यू पर शेयर, सर ई का मतलब क्या होगा? अर्निंग पर शेयर। सर डी का मतलब क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर। आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और के का मतलब क्या हो गया भाई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर ठीक है, लॉजिक क्या फॉर्मूले का? बेटे फॉर्मूले का लॉजिक तो आप बचपन से जान रहे हो, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना कि क्या लॉजिक है इस फॉर्मूले का, बस वो समझाने की कोशिश करो. सुनना बेटे ध्यान से. मान लो हम 10 रुपए कमाते हैं, ठीक है सर, और 10 रुपए का डिविडेंड पे आउट रेशो हमेशा हम 70% डिविडेंड दे देते हैं. तो 10 रुपए का 70% मतलब डिविडेंड कितना देते होगे? 7 रुपए. कितना बचाते होगे? हम बचाते हैं, बचाते मतलब रिटर्न अर्निंग, 10 में से 7 डिविडेंड तो बचाया कितना? हम 3 रुपए हर साल बचा देते हैं. हमारा हमेशा काम है, हमका हमारा ये मानना है कि हर साल हम 10 रुपया कमाएंगे, 7 रुपए डिविडेंड देंगे और 3 रुपए हम बचा कर रखेंगे. यहां तक ठीक है? ओके सर ठीक है. अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि हर साल मिलेगा, मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे हर साल 7 रुपए मिलेगा परपेचुअल, क्योंकि वॉल्टर्स में एक एजम्पशन है कि आप शेयर होल्डर कर रहे हो तो आप परपेचुअल तक होल्ड करोगे. तो 7 रुपए मिलेगा, तो क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर. और सर डिस्काउंटिंग रेट तो बोल दो बेटे. डिस्काउंटिंग रेट को हम के ई बोलेंगे. मान लो के ई है 15%. तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनना ध्यान से. सर इसका मतलब है कि आज ये 0 पीरियड और हमको 7 रुपए मिलेगा परपेचुअल मिलेगा, तो इन सब का क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ. और मैंने आपको टेक्निक सिखा है 7/15%. ऐसे निकालते थे? यस सर, ऐसे ही निकालते थे. तो 7/15%, तो ये जो आंसर आया दिस इज 46.67. कोई शक इसमें? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब आगे और समझ. अभी तो मैंने जो बात किया वो कितने रुपए की किया? 7 रुपीज की. पर सुनो बेटे सुनो, ये 7 रुपए की बात समझ में आती है, लेकिन पहले साल तो उसमें से कितना बचाया? 3. ठीक है सर. और इस 3 रुपए को आप इन्वेस्ट तो करोगे? हाँ सर. और इन्वेस्ट करोगे तो इससे हर साल कमाना स्टार्ट कर दोगे? ये 3 रुपए आपने लगा दिया किसी प्रोजेक्ट में. और मान के चल रहा हूं आर है 20%. तो बताओ बेटे 3 रुपए का 20% कमाओगे? हाँ सर. हमने 3 रुपए इन्वेस्ट किया तो हम हर साल 60 पैसे कमाएंगे. कब तक कमाओगे? परपेचुअल 60 पैसे. ठीक है. तो क्या ये 60 पैसे का फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल लेंगे. 0.60/0.15, यही तो होता है. 0.6/0.15, तो ये आ गया बेटे 4 रुपए. ये सुनना ध्यान से समझना. 7 रुपए का तो मैं प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकालूंगा. और जो 3 रुपया है, 3 रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर मैं 20% कौन सी ईयर से कमाना स्टार्ट करूंगा? सेकंड ईयर से. ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर. और सेकंड ईयर से 60 पैसा 60 पैसा 60 पैसा 60 पैसा हर साल कमाऊंगा. उसका प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर में मैंने निकाल लिया तो कितना आया? 4 रुपए. ठीक है सर. तो क्या दिक्कत है बेटे? अगले साल फिर 7 रुपए डिविडेंड दिया, उसमें से कितना बचाया? 3. और 3 को फिर इन्वेस्ट कर दिया, तो यहां जो बचा है उसकी कमाई तो यहां से स्टार्ट होगी. हाँ सर. 20% पे इन्वेस्ट करूंगा ना, तो फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे. हाँ सर. कितना आएगा? 4. फिर थर्ड ईयर में फिर 7 रुपए कमाया, 7 रुपए डिविडेंड दिया, लेकिन 10 कमाया, 10 में से 7 रुपए डिविडेंड दिया, 3 बचाया, और 3 को फिर इन्वेस्ट किया, तो फिर कितना कमाएंगे हम? 60 पैसे. ओके. फिर उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. यस सर. कितना आएगा? सर ये काम तो परपेचुअल से. हाँ बेटे, ये 7 रुपए तो जो मिलेगा फर्स्ट ईयर से वो ठीक है, पर ये 4 फिर 4 फिर 4, ये तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है 60 पैसा करके, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर. तो सर ये 4 रुपए का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. हाँ भाई हाँ, मैं यही बोल रहा हूं. 7 रुपए का तो मैंने निकाल ही रहा हूं, 7/0.15 तो रहेगा, प्लस 4/0.15 ये भी तो करना पड़ेगा आपको.
ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 0.15 यहां कितना आ गया 46.67 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.15 26.67। तो 46.67 प्लस 26.67 दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 73.34। सर इससे अच्छा याद कर लेंगे, आप याद भी कर सकते हो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहा, पर अगर तो आप कॉन्सेप्ट पे जाओ घर में आराम से सोचना कि जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट कर रहा है और उसको इन्वेस्ट करने का प्रेजेंट वैल्यू यहां जो सेकंड इज पहले साल के एंड में कितना बचाया 3 और उस 3 रुपए का पे 20% हर साल कमाओगे, उसको प्रोजेक्ट में लगा दोगे, तो जो 60 पैसा कमाओगे उसका प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड तक ठीक है 4। फिर सेकंड ईयर 10 कमाया, 10 में से 7 रुपए डिविडेंड, बचा कितना 3 और 3 करोड़ फिर लगा दिया, फिर 60 पैसा कौन सी ईयर से थर्ड ईयर से, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कौन सी ईयर में आएगा सेकंड ईयर, इस तरह से 4 4 4 करके आपने निकाला तो आंसर कितना आया 73.34। अब ध्यान से फॉर्मूले पे जाना, मैं P0 निकाल रहा हूं। बोलो बेटे डिविडेंड कितना, सर डिविडेंड तो हम 7 रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल सही, प्लस कमा कितना रहे थे सर 10, 10 में से कितना डिविडेंड दे दिया 7, तो बचाया कितना 3 रुपए, और 3 रुपए को कितने परसेंट पे लगाओगे सर 20% पे लगाओगे, तो अगर 3 रुपए का 20% करोगे तो कितना आएगा 60 पैसा, और 60 पैसा का फिर डिवाइडेड बाय 60 पैसा ये जो आया इसको फिर डिवाइड किससे करोगे देखो, तो कितना आ गया 4 रुपए। आपको सोचो ना, रीड करने की कोशिश करो, 4 रुपीज, और ये 7 और ये 4, ये 7 और ये 4, इनको डिवाइड किससे करोगे 0.15, तो क्या आंसर इतना ही आएगा? हाँ सर हाँ, आप वही तो काम कर रहे हो जो यहां कर, बिल्कुल, यहां मैंने अलग अलग कर किया, यहां एक साथ कर दिया, अगर इसका आंसर निकालो तो उतना ही आ जाएगा 10 - 7 × 0.2 / 0.15 प्लस 7 / 0.15, आंसर उतना ही है 73.33 आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट्स इट। तो अगर आप कोशिश करना, हो सकता है यहां थोड़ा सा फास्ट हो, कोशिश करना घर में आराम से सोचने की, अगर नहीं सोच पा रहे हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा और इतनी टेक्निकल चीजों में जा ही नहीं रहा, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, डिविडेंड जितना कमाया उसमें से डिविडेंड माइनस को कितना बचाया 3 और 3 को इन्वेस्ट किया उसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स सर ये फॉर्मूला बेटे, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे भी इसका इतना यूज होने वाला कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने वाले हैं और हम इस बात को प्रूव करने वाले कि देखो जी सारा के सारा खेल आर और के ई का है, कि आर ज्यादा है कि के, ठीक है। तो सर एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एग्जाम्पल करवाऊंगा टाइम खराब होना, एक क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते कि क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32, पहला क्वेश्चन हमारे डिविडेंड का, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 43। लिखा फॉलोइंग अदर डिटेल्स रिगार्डिंग 3 कंपनी एक्स वाई जेड, एक्स आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर 5% 20% 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के 15 15 15, अर्निंग पर शेयर दिया 10 10 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अन इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच दोस कंपनी अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% 50% 80%, 3 कंडीशन बोला है। सर इससे भी अच्छा कोई क्वेश्चन है कि आपके पास, इससे भी अच्छा, एक सेकेंड भाई मुझे चेक करने दो, शायद कुछ काम का क्वेश्चन मिले।
चलो तो यही क्वेश्चन कर रहा है, और दैट्स इट, ठीक है ये क्वेश्चन बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहा है, 32। वन बाय वन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स लिमिटेड की। यहां से स्टार्ट कर, बात किसकी करेंगे, एक्स लिमिटेड। और वोल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या, पी जीरो का, पी जीरो इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी आर बाय के डिवाइडेड बाय के एक्स लिमिटेड। क्या हमको अर्निंग पता, अर्निंग का मतलब यस, कितना रुपीस 10। और क्या हमको आर पता है, यस। आर कितना है जी, 5%। और के ई कितना दिया है, 15%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ बेटे के ई कितना है, 15%। आर कितना है, 5%। क्या ज्यादा है सर, हम कमाएंगे सिर्फ 5% जबकि हमको देना है 15। क्या उन पैसों को हमें रिटर्न करके कमाना चाहिए 5%? नहीं सर, जितना भी है ना अर्निंग, कितना रुपए अर्निंग बेटे, 10 रुपए, 10 रुपए की 10 रुपए डिविडेंड दे दीजिए। सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस तभी आएगी जब आप पूरा की पूरा डिविडेंड दे देते हो, ठीक है, पूरा डिविडेंड दे दोगे सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस आएगी, ऑप्टिमल वही है। पर फिर उसने अलग अलग कंडीशन में बोला, बोले पहले डिविडेंड पे आउट 75% कर लो, ए बोल रहा है डिविडेंड पे आउट रेशो कितना परसेंट, 75%। पी जीरो का फॉर्मूला कितना, 10 रुपए का 75% मतलब 7 रुपए 50 पैसे प्लस 10 माइनस 7 रुपए 50 पैसे, 2.5 रुपए बचाए, इन्वेस्ट कितने पे करोगे, 5%। के ही कितना है, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। बी डिविडेंड पे आउट रेशो कितना परसेंट, 50%। पी जीरो इज इक्वल टू 5 रुपए डिविडेंड बचा होगी कितना, 5, इन्वेस्ट कितने का, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। सी डिविडेंड पे आउट रेशो 80%। एट प्लस 10 माइनस 8 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। अच्छा अगर कोई मुझसे, वैसे मांगा नहीं पर फिर भी, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो, अगर मुझसे कोई पूछे ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो तो मैं बोलूंगा 100%, पूरा की पूरा डिविडेंड दे दो भाई, सबसे ज्यादा प्राइस इसी पे आएगी। पी जीरो इज इक्वल टू मतलब पूरा 10 माइनस 10 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय पॉइंट, सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस यही आएगी। बस निकाल लेते, यहां आंसर आ गया रुपीस 55.55। 5 × 0.05 डिवाइडेड 0.15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 0.1, यहां आंसर आ गया रुपीस 44.44। 2 × 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.15,
यहाँ आंसर आ गया है रुपीज 57.78। 10 / 0.15 यहाँ आंसर आ गया 66.67। हाँ बेटे अच्छे से सोच के बताना केई क्या है। ज्यादा जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना फायदे में हो। सबसे कम डिविडेंड कहाँ है? यहां तो शेयर की वैल्यू सबसे कम यही थी, उसके बाद डिविडेंड यहां ज्यादा तो शेयर की वैल्यू यहां ज्यादा आ रही है, उससे भी ज्यादा डिविडेंड यहां तो शेयर की वैल्यू यहां ज्यादा ही, पर सबसे ज्यादा शेयर का प्राइस आएगा यहां जब आपकी पूरा की पूरा डिविडेंड दे देते हो। और मैं भी यही बोल रहा हूं कि पूरा डिविडेंड दे दीजिए। सर ये दिखाना जरूरी है कि नहीं है? ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिविडेंड अगर आप पूरा दे दे तो शेयर की प्राइस सबसे ज्यादा आएगी। किसका निकाला था आपने? ये एक्स लिमिटेड का। इसी तरह किसकी बात करेंगे हम? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड में सिचुएशन ये है कि ईपीएस तो 10 ही है, आर और के का खेल है। आर कितना है? 20%। और के कितना है? 15%। बोलो बेटे शेयर का प्राइस किस कब ज्यादा आएगा? सर डिविडेंड मत दो, आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप 20% कमा रहे हो। अगर आप पूरा की पूरा इन्वेस्ट कर दोगे, डिविडेंड कुछ भी नहीं दोगे, तब शेयर का प्राइस ज्यादा आएगा। चलो पहले तो उसके हिसाब से कर ले। फर्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशो 75%, प्लस आपकी बार इन्वेस्टमेंट 20%, बी डिविडेंड पे आउट 50%, सी डिविडेंड पे आउट रेशो 80%, एंड लास्ट मेरे हिसाब से, सर आपके कि वॉल्टर के? हाँ वॉल्टर के हिसाब से भाई, एक ही बात, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो 0%। डिविडेंड दे नहीं चाहिए तो देखो यहाँ शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा आएगा, मतलब 0 यहाँ लिखूंगा। 10 - 0.20 / 0.15। चलो चेक कर लेते शेयर का प्राइस किस में ज्यादा आएगा। (2.5 × 0.2 / 0.15 + 7.5 / 0.15) यहाँ आ गया बेटे 72.22। यहाँ आ गया 77.77। यहाँ आ गया 71.11 और यहाँ आ गया 88.89। हाँ जी अब समझने की कोशिश करना बच्चों, मैंने आपसे कहा था केई कम है आर ज्यादा तो डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप डिविडेंड दिया और आपने कितना दिया? अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दोगे तो शेयर का प्राइस कम आएगा। सर साथ ज्यादा आपने 8 रुपए डिविडेंड दिया तो शेयर का प्राइस कम आया, आपने थोड़ा सा डिविडेंड कम दिया तो शेयर का प्राइस ज्यादा आ गया, आपने डिविडेंड और भी कम कर दिया तो शेयर का प्राइस और भी ज्यादा आ गया, और डिविडेंड दिया ही नहीं तो शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा है। दिस इज ऑप्टिमम। ये मुझे पहले ही पता लगा था। कैसे पता लग गया था? दिख गया था कि केई ज्यादा। ठीक सर, एक्स लिमिटेड हो गया, वाई लिमिटेड हो गया, अब बात किसकी करें? जेड लिमिटेड। लास्ट
जेड लिमिटेड में क्या सिचुएशन है? ई कितना है सर? ई तो उतना ही है, रुपीज 10। आर कितना है? आर है 15%। और के ई कितना है? के ई है 15%। अब बताओ बेटे क्या बोला था मैंने आपसे? ये कहा था कि आर और के ई दोनों इक्वल है, तो फिर आप डिविडेंड कितना भी दो, 2, 4, 6, 8, 10, 10 की 10 दे दो, शेयर का प्राइस एक जैसा आएगा। सर एक बार प्रूव करके देख ले। हाँ बेटे कुछ भी कर लो आप, डिविडेंड पे आउट रेशो सबसे पहले ले लेते 75%। P0 7.50 प्लस 10 माइनस 7.50 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.15। दूसरे में आप डिविडेंड पे आउट रेशो चाहो तो आप 50% रख लीजिए, 5 प्लस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। तीसरे में चाहो तो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना परसेंट है? 80% रख लीजिए, 8 प्लस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5। और सर ऑप्टिमल ऑप्टिमल कुछ है ही नहीं, चलो देखते 2.5 × 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 0.15। आंसर आया रुपीज 66.67। इसका आंसर आया 66.67 और कोई शक ही नहीं है इसका भी आंसर कितना आएगा 66.67। बताओ बेटे डिविडेंड कितना दे? सर कुछ भी दे दो, शेयर का प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज और आर और के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ना के बराबर चांस है, पर इस क्वेश्चन में ये हमको सीखने में आ गया कि आर ज्यादा तो क्या करना, के ज्यादा तो क्या करना है, और आर और के एक जैसा है तो क्या करना। तो एक क्वेश्चन था जो मैंने करवाया, पर अब मुझे एक एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ तो मैंने आपसे ये बोला कि एक एग्जाम्पल और करवाना पड़ेगा, मजबूरी है, तब भी आप एक्सपर्ट हो पाओगे और मेरे क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा इस पे, ज्यादा डिविडेंड में हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ठीक है, तैयार हूँ? यस सर। एग्जाम्पल ना इस तरफ लिखो तब बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल तो बेटे ऐसा है कि आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है, मान लो 50,000 शेयर्स है, आप रुपीज 10 ईच, तो आपके पास शेयर कैपिटल है 5,00,000 रुपए का। अर्निंग्स आप अभी 1,00,000 रुपए कमा रहे हो टोटल मिलाकर, डिविडेंड और आप 80,000 रुपए डिविडेंड दे देते हो, ठीक है। प्राइस इन इंग्लिश, एट टाइम्स ठीक है, प्राइस इन इंग्लिश डिविडेंड माल में, अर्निंग माल में, शेयर कैपिटल में।
फर्स्ट लिखोगे विद कंपनीज एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल इफ नॉट देन what should be dividend payout ratio third calculate value per share as per existing dividend policy and optimal dividend policy. सिचुएशन ये है कि कंपनी अभी 1,00,000 रुपए कमाकर 80,000 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो पूछा जा रहा है क्या ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है. इसके लिए तो हमें आर और के ई की जरूरत पड़ेगी, और अगर आर और के ई एक जैसा तो अलग मैटर है, नहीं तो ये ऑप्टिमल है ही नहीं. क्योंकि वॉल्टर क्या बोलता है, या तो डिविडेंड देना तो पूरा दीजिए नहीं तो मत दीजिए. तो हमें तो आर और के ई निकालना ही पड़ेगा. तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहला काम है कि आप गिवन लिखो, और सबसे पहले हमें चाहिए अर्निंग्स. बताओ बेटे कितना कमा रहा है, 1,00,000 और कितना 50,000 शेयर्स. अर्निंग पर शेयर्स निकल सकता है, यस सर. 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50,000 सर 2 रुपए. बिल्कुल सही. अभी कंपनी 2 रुपए कमा रही है तो डिविडेंड कितना दे रही है, 1,00,000 में से 80,000 डिविडेंड, तो डिविडेंड पर शेयर निकल सकता है, यस सर 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000. डिविडेंड दिया जा रहा है 1,60 रुपए अभी डिविडेंड दे रहा है. हमें चार चीजें हमेशा निकालना पड़ेगा, चार, ई डी आर और के. अब बात करते हैं आर की, तो सुनना बेटे आर कैसे, एक फॉर्मूला चाहो तो याद ही कर लेना. अभी कितना कंपनी कमा रही है, और हमारा ये मानना रहता है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट में कमा रही आगे भी उतना ही कमाएंगे. सर अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा लगा 5,00,000, यस, और उसपे कितना कमा रहे हो आप, 1,00,000, तो क्या परसेंटेज बता सकते हो, और उसी को तो हम आर कहेंगे. अगर मैं कहूं आर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. कितना कमा रहा है अभी, 1,00,000, कितना लगाकर 5,00,000 इनटू 100, तो ये आ गया 20%. अब बात करते हैं केई की, और के ई का हालांकि एक फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो. ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. सर इसका डेरिवेशन क्या है, वो मैं आपको यहाँ डेरिवेशन समझा दे रहा हूँ. अभी मैं फॉर्मूला लिखूँ, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो 8, तो आ गया 0.125, दैट इज 12.5%. सर
सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमें आप ये फॉर्मूला क्या है समझाओ, डेरिवेशन समझाओ, मैं डेरिवेशन समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब क्या आपने प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला याद है आपको? हाँ सर याद है। छोड़ो, मैं आपसे बोल रहा हूं, पता है आपको केई ने भी निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था। सर केई का निकालने का फॉर्मूला? हाँ बेटे हाँ, आईपीसी से याद करो। हम कहते थे कि हम आप मुझसे एक शेयर खरीदिए, बदले में मैं आपको कुछ कमा कर दूंगा। कोई ग्रोथ नहीं, कोई ग्रोथ नहीं मतलब जितना भी अर्निंग है हम सब कमा कर। तो हमें क्या देना पड़ेगा हर साल? ईपीएस। और किस पे देना पड़ेगा? शेयर इश्यू और मार्केट प्राइस पे। हम मार्केट प्राइस, हमने 50 रुपए का शेयर खरीदते तो बदले में हमको हर साल ईपीएस मिलेगा। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला होता था केई का, कहां से आपको आईपीसी से याद आना? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना मेरे साथ। मैं ईपीएस ऊपर ही लिखता हूं, नीचे एमपीएस निकालने का एक फॉर्मूला था, प्राइस अर्निंग रेशियो याद करो। हाँ सर याद है, थोड़ा सा मर्जर याद है ना, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो ऐसा करते थे। हाँ सर, अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ईपीएस ईपीएस कट कर दिया तो ऊपर तो वन आ गया। फॉर्मूला क्या बन गया? 1/(Price) प्राइस अर्निंग रेशियो, वही मैंने यहां फॉर्मूला लिखा हूं। सर ये पुरानी बातें याद ना रखे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/(Price) earning ratio। ठीक है, अब क्वेश्चन पे फोकस करना। अभी भाई साहब अब कंपनी कर क्या रही है? सर कंपनी 2 रुपए कमाकर 1.60 रुपए अभी डिविडेंड दे रही है, दिस इज एग्जिस्टिंग पॉलिसी। बहुत अच्छी बात है, हमने कहा कंपनी के मैनेजर अभी रुक जाओ, कंपनी के डायरेक्टर्स रुकिए, पहले अब हम चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। हम कह रहे साहब एक बात बताओ, शेयर होल्डर को कितना देना है? 12.5%। आप कमाओगे कितना? 20%। जब आप में इतनी हैशियत है, आप में इतना दम है कि आप 20% कमा सकते हो, जबकि शेयर होल्डर को 12.5% ही देना है, तो उनको डिविडेंड बांट ही क्यों रहा है? रोक दो पैसा। इट मींस आप 1.60 रुपए डिविडेंड नहीं देना चाहिए, आपको देना ही नहीं चाहिए, आपको जितना कमा रहा ना सबकी सब इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आप कितना परसेंट कमाओगे? 20%। ठीक है, तो क्या कंपनी की एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आर इज मोर देन के, हेंस ऑल अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, सॉरी शुड बी रिटर्न एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%। व्हाट शुड बी डिव, मतलब पहले और दूसरे पॉइंट का तो आंसर वैसे ही निकाल देंगे, तो लिख रहा हूं मैं पहले और दूसरा पॉइंट को मिलाकर क्या जाएगा? All earnings should be written and dividend payout ratio should be 0%. In this situation, companies existing policy is not optimal. तो ये sentence तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है तक? मतलब 1 और 2 इसी में कवर कर दिया मैंने। थर्ड, वैल्यू पर शेयर एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से और ऑप्टिमल, और हम बताएंगे कि ऑप्टिमल पॉलिसी में हमारे शेयर का वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है। बस और कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू निकाल कर यहां प्रूव कर दीजिए कि हाँ हम जो बता रहे हैं उससे शेयर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो बस खत्म कर रहे हैं।
वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं। P0 का फॉर्मूला शिफ्ट कर दूं, डी प्लस ई माइनस डी आर बाय के डिवाइडेड बाय के। सबसे पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी P0 इज इक्वल टू डिविडेंड दिया 1.60 प्लस 2 माइनस 1.60 0.20 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125। ऑप्टिमल पॉलिसी P0 इज इक्वल कितना डिविडेंड देना ही नहीं है, 0 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.125 2 माइनस 1.6 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 0.125। शेयर का प्राइस आ गया रुपीस 17.92 और यहाँ आ गया रुपीस 25.60। बताओ बेटे शेयर का वैल्यू किसमें ज्यादा आया? शेयर का वैल्यू सर पक्का आप जो बता रहे हो उसी में ज्यादा आएगा। यस ठीक है, फिर हम मैनेजमेंट से यही बात बोलेंगे कि देखो हम जो बोल रहे हैं उसके इसको अगर आप फॉलो करते हो तो शेयर का वैल्यू ज्यादा। तो ये था वॉल्टर्स मॉडल, अगली क्लास में क्वेश्चन हो जाए इसके, एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो आज हमारी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1 में हमने बेसिक चीजें पढ़ा था, कौन सा मॉडल किया है, वॉल्टर्स। तो सर वॉल्टर्स मॉडल के और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते, तो पिछला जो एग्जाम्पल करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। और सबसे स्टार्ट कहां से करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 36। लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड वाज स्टार्टेड अ ईयर बैक विथ ए पैड अप इक्विटी कैपिटल 40 लाख। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो अदर डिटेल्स आर एज अंडर, अर्निंग्स दिया है, डिविडेंड पैड दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तो सर सबसे पहले ना आप गिवन लिख दिया करो, टेंशन खत्म हो जाएगा। यस सर, इधर से लिखना स्टार्ट करते क्या है? प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन, तो क्या क्या दिया है बेटे, एक तो अर्निंग्स दिया हुआ है कितना 4 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, तो ई निकल जाएगा। यस सर, अर्निंग्स कितना है 4 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, अर्निंग्स आ गया रुपीस 10, डिविडेंड 3,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया रुपीस 8। उसके बाद हमको चाहिए क्या, के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 0.08 दैट इज 8%। और उसके बाद आर, और मैंने आपको पहले ही बताया था आर मतलब कितना अभी कमा रहे हो। सर अभी कमा रहा है 4 लाख, कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना 40 लाख × 100 तो 10%।
अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कंपनी 10 रुपए कमाकर अभी 8 रुपए डिविडेंड देती है, बताइए कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो एज पर वॉल्टर, और वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, वॉल्टर मॉडल बोलता है अगर आर जाता है, केई कम है, कॉस्ट कम पड़ रहा है, तो आप डिविडेंड मत दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर जितना चाहते हैं उतना तो हम कमा लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, सिंस आर इज मोर देन केई, हेंस ऑल अर्निंग शुड बी रिटेन, ठीक है, ओके सर ओके, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। और फिर हम प्राइस निकालेंगे एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एज पर ऑप्टिमल, और हम बताएंगे कि देखिए हम जो बोल रहे हैं ऑप्टिमल, उसके हिसाब से शेयर की प्राइस मैक्सिमम हो रही है, ठीक है ओके। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो पहला सेंटेंस, सिंस आर इज मोर देन के, हेंस ऑल अर्निंग्स शुड बी रिटर्न एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 0%। और एक बात लिखना, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना कैलकुलेशन ऑफ P0 निकालेंगे, और P0 किस किस के हिसाब से निकालेंगे, दो तरह से। पहले P0 का फॉर्मूला लिख दिया करो, टेंशन करो, P0 इज इक्वल टू D प्लस ये हो गया आपका रिटर्न, इसको किया इन्वेस्ट, इसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सबका प्रेजेंट वैल्यू। तो किस किस के हिसाब से काम करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते एग्जिस्टिंग पॉलिसी, P0 इज इक्वल टू, बताओ बेटे अभी डिविडेंड कितना जा रहा है, 8 रुपए प्लस 10 माइनस 8, कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, 10% पे, 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08 प्राइस निकल जाएगा। टू इंटू पॉइंट वन डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आंसर आ गया रुपीज 131.25 एग्जिस्टिंग के हिसाब से। सर ठीक है, अब किसके हिसाब से हम निकाल के दिखाएंगे, अब निकाल के दिखाएंगे ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से, और उसमें आंसर ज्यादा आना चाहिए जो आप बोल रहे हैं। P0 इज इक्वल आपके हिसाब से डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 0 प्लस 10 माइनस 0, ठीक है, और उसके बाद 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08, तो 10 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08,
तो बेटे ये आंसर आ गया रुपीज 156.25। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो पिछला क्वेश्चन किया, अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर कौन सा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे वाला क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं इसमें। पेज नंबर 37, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। अर्निंग्स दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, शोर्स लिखा उसका शेयर्स कर लीजिए, डिविडेंड पैड दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया। और नंबर में लिखा अशर्टन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑन एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, निकाल लेंगे जैसे पहले किया था। ये पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो एट विच द डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, विल योर डिसीजन चेंज इफ द प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8 इंस्टीट ऑफ 12.5। ठीक है, सिंपल है, चलो काम कर रहे हैं। तो पहले सर क्या करें, पहले गिवन करके लिख देखिए, दिक्कत नहीं होगी। ओके, गिवन, तो ई दिया हुआ, दो लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 20,000। सर ये तो 10 रुपए आ गया। ओके, बस डी भी लिख दे, 150,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया 7 रुपए 50 पैसे। सही है ना। वन लैख 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है, सही है। अभी और क्या निकालना है, के ई निकालना। के ई का फॉर्मूला होता है 1/P ratio, 1/12.5 0.08 that is 8%। और क्या चाहिए, आर बोलो कितना कमा रहे हो, 2 लाख। कैपिटल कितना है, 20,000 शेयर है, 100 का 1 मतलब 20 लाख इंटू 100%। बताओ बेटे क्या ज्यादा है, सर आर ज्यादा, क्या करना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, क्यों, ये बचा है। तो बस जैसे अभी किया था ना, जस्ट वैसे ही करोगे तो अब सेंटेंस क्या आएगा देखोगे, सिंस आर इज मोर देन के, हेंस ऑल अर्निंग्स शुड बी रिटर्न एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 0%। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी is not optimal। यहां तक तो काम हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ P0 किसके हिसाब से, सबसे पहले पहले P0 का फॉर्मूला लिख देते हैं। P0 इज इक्वल टू डी प्लस E माइनस डी आर बाई के होल डिवाइडेड बाय के। सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी P0 इज इक्वल टू, अभी क्या कर रहे हो, अभी हम सर डिविडेंड दे रहे हैं कितना रुपए, 7 रुपए 50 पैसे। अर्निंग है 10 माइनस 7.5, आर कितना है 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08
होल डिवाइडेड बाय 0.08। तो यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं कितना, 10 - 7.50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 0.08। तो आंसर आ गया यहाँ रुपीज 132.8125। और ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से आंसर ज्यादा आना चाहिए। डिविडेंड कितना देना है, देना ही नहीं है सर। प्लस 10 - 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08। तो 10 × 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08 आंसर अब आ गया रुपीज 156.25। ये तो अभी वाला पॉइंट है जो आपने किया। पॉइंट नंबर वन में कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट नंबर टू पे आ जाते। पॉइंट नंबर टू अच्छे से पढ़ना, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो। ऐसा प्राइस अर्निंग रेशियो बताइए जिस पर डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना भी क्यों ना रखो, शेयर की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिचुएशन कब आएगी, जब R इज इक्वल टू K। क्वेश्चन में R नहीं मांगा, K नहीं मांगा, और क्वेश्चन में ये बोला कि बताओ प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए। और प्राइस अर्निंग रेशियो किस काम आता है, K निकालने के लिए। तो हम ये मानेंगे कि R है 10% और K भी अगर 10% होता है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर। तो उस हिसाब से केई को हम 10% लाने के लिए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू कर रहे, ये पॉइंट नंबर वन था पूरा की पूरा। इफ आर इज इक्वल टू केई then dividend payout ratio does not affect प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है जी, ठीक है सर। आर गिवन इन क्वेश्चन 10%, हेंस के ई शुड बी 10%। और के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / प्राइस अर्निंग रेशियो। ये हमको मालूम है 0.10, 1 / हमको क्या निकालना, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 1 / 0.10 दैट इज 10 times। ठीक है, तो पॉइंट नंबर टू में यही पूछा कि भाई प्राइस अर्निंग रेशियो क्या रखे कि केई 10% है, और केई 10% आ गया तो केई और आर इक्वल हो जाएगा। चाहे फिर चाहे डिविडेंड आप कितना भी क्यों ना दीजिए, शेयर की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते बेटे पॉइंट नंबर थ्री की, विल योर डिसीजन चेंज इफ प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8 instead of 12.5। अब सुनो क्या बोल रहा है, क्या आप पॉइंट नंबर टू से कोई लेना देना नहीं है। बोले ई यही रहेगा, डी यही रहेगा, बस प्राइस अर्निंग रेशियो ये नहीं होगा। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो ये ना लेकर 12.5 ना लेकर अगर हम इसको
8 लिख देते तो क्या होता? तो ये आ जाता 0.125, दैट इज 12.5%, ये आ जाता। तो पूछ रहा क्या आपका डिसीजन यही होता? नहीं, इस बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि के ही ज्यादा आ गया। अगर के ही ज्यादा आ गया तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, सब कुछ डिविडेंड दे देंगे। यहां अब आपको फिर से ये वाली स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इट मींस अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस आर इज लेस देन के, हेंस लिख देता हूं मैं यार, कितना टाइम है, हेंस All earnings should be distributed as dividend. That is, dividend payout ratio is equal to 100%. ठीक है, फिर वही काम करोगे, यही सारा काम, बस पी जीरो फिर दो बार निकालना पड़ेगा। किस सर, इसका मतलब है या तो डिविडेंड दीजिए तो पूरा दीजिए, या तो मत दीजिए। यही बेटे, यही तो बोलता है वॉल्टर, इसलिए इसका नाम है ऑल और नथिंग अप्रोच। ऑल और नथिंग अप्रोच का मतलब देना हो तो पूरा दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। ठीक है, अब मैं पी जीरो निकाल रहा हूं। पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से, सर यहां डिविडेंड आता 7.50 रुपए, बिल्कुल सही, प्लस कमा कितना रहता है 10, 7.5, आर कितना है जी 0.10 डिवाइडेड बाय 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125। लेकिन ऑप्टिमल डिविडेंड में क्या बोलता, पूरा डिविडेंड दे दो, 10 माइनस 10 0.10 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125, 10 माइनस 7.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 0.125। तो यहां शेयर का प्राइस कितना आ गया 76, और इसमें ज्यादा आना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 0.125, और यहां आ गया 80। तो इस कंडीशन में हम सारा डिविडेंड दे देते। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन बनाएंगे जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 36 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है बेटे, डिविडेंड, कुछ भी मेहनत नहीं करना। ओके सर, तो हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 36। पढ़ा है, लिखा है नंदिनी फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड, ठीक है, अ क्लोजली हेल्ड डेलिकेट प्लास्टिक मेडिसिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ डिविडेंड पॉलिसी विच कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एज पर वॉल्टर्स मॉडल। मतलब वो डिविडेंड जो पॉलिसी फॉलो करते हैं ना, वो वॉल्टर के हिसाब से करता है। टारगेट क्या होना चाहिए, फर्म का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली ईच ईयर एट डिविडेंड टाइम द कैपिटल बजट इज रिव्यूड इन कंजंक्शन विद द अर्निंग फॉर द पीरियड एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द शेयर होल्डर्स। बोले जब जब भी हम डिविडेंड कमाते हैं तो एक बार देखते हैं कि कुछ कैपिटल बजट है कि नहीं, और टारगेट ये रहता, उस समय हम डिसाइड करते हैं कि हम उस जो कमाया है उसको डिविडेंड दे दे या उसको कहीं और लगा के कुछ और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं कि नहीं इन करंट ईयर। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, द फर्म रिपोर्ट्स नेट अर्निंग 5 लाख, हमने 5 लाख रुपए कमाया। It is estimated that the firm can earn
रुपीज 1 लाख इफ द अमाउंट आर रिटर्न्ड, अंडरलाइन करो बेटा अंडरलाइन करो, वो ये बोल रहा है कि अगर वो 5 लाख जो हमने कमाया है उसको हम इन्वेस्ट करते, फर्म इन्वेस्ट करती तो 1 लाख रुपए कमा लेती, क्या चीज है ये आर क्वेश्चन, अच्छा आर निकलेगा इससे, ओहो ये बात है सर, गिवन लिख ले क्या काम आएगा, यस गिवन, एक तो मुझे चाहिए ई और कितना कमा रहे हैं, 5 नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं मालूम ना सर, हाँ दिया नीचे, डिवाइडेड बाय 50,000 रुपीज 10 और आर सुनो कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपए कमाएंगे 5 लाख रुपए लगा के इनटू 100 तो ये 20%। अब आगे और देखते हैं, द इन्वेस्टर हैव अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी दैट विल यील्ड देम 10%। इन्वेस्टर का मतलब क्या होगा सर, कंपनी, कंपनी नहीं बेटे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास एक अल्टरनेटिव है कि अगर हम उनको डिविडेंड दे देते तो उन पैसों से वो 10% कमाते, तो हमारे लिए जो शेयर होल्डर को देना उसको क्या बोलते हैं, के 10% सर, डिविडेंड कितना देना, वही पूछा, कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं है, आप खुद ही बताइए बोले डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होना चाहिए वेल्थ को मैक्सिमम करना, तो बस क्वेश्चन बनाना है कुछ है नहीं, पहले बताओ क्या है, कहिए 10% आर है, आर ज्यादा है, आर ज्यादा है मतलब आप ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा कमा सकते हो तो डिविडेंड मत दीजिए, तो बस लिख देना है सेंस आर इज मोर देन के हैंस ऑल अर्निंग्स शुड बी रिटर्न एंड डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू 0% पी 0 निकाल लेते हैं, डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय की, बताओ बेटे डिविडेंड कितना देना, देना ही नहीं है सर 0, कमाई कितनी की 10 माइनस 0 आर कितना 0.20 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10 आंसर देख लेते 10 × 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 200। क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात थी नहीं, पर वही के ई और आर में कंफ्यूज नहीं हो सकते, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बना रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल छोटे 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 37 देखते हैं, लिखा अ कंपनी अर्न 10 लाख आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स दिया ठीक है, पे आउट रेशो 60% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड, तो 10 लाख का 60 पे आउट रेशो 10 लाख का 60% मतलब 6 लाख रुपए तो डिविडेंड हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो है 6, द कंपनी कैन इन्वेस्ट रिटर्न अर्निंग इन प्रोजेक्ट दैट गिव एन आईआरआर 15%, एक बार लिख लेता हूं क्या क्या गिवन, क्या ई दिया हुआ है, यस कितना रुपए दिया 10 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख सर, तो ये तो आ गया 10, ओके डिविडेंड 60% चाहो तो इसी का ले लो, चाहो तो मैं ऐसा लिख देता हूं 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज 6, प्राइस अर्निंग रेशो दिया है तो के निकल जाएगा 1 / 6 और आर दिया हुआ है क्वेश्चन 15%, बस के निकल लेते
ओहो 0.1667 दैट इज 16.67%। इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा है, वहां लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है कंप्यूट द थियोरिटिकल प्राइस, पॉइंट नंबर 2 इज द कंपनी पे आउट रेशो, पॉइंट नंबर 3 इफ द आंसर इज ऑन पॉइंट नंबर 4। तो 1, 2, 3, 4 1 में क्या बोला, कंप्यूट द थियोरिटिकल मार्केट प्राइस यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल, सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से कि ऑप्टिमल। उसने तो बस यही बोला कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, हम ऐसे निकाल देंगे जो दिया। पॉइंट नंबर 2 इज द कंपनीज पे आउट प्रैक्टिस इन सिंक विथ मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, सिंक का मतलब समान। क्या अभी जो कंपनी का पे आउट रेशियो है 10 में से 6 रुपए डिविडेंड दे रहे, क्या इससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि भैया केई ज्यादा तो डिविडेंड दे दीजिए पूरा की पूरा, कुछ मत रखो अपने पास। क्यों? क्योंकि आप कमा नहीं पाओगे जितना बोल, ठीक है वो लिख देंगे। इफ द आंसर टू बी अबो इज नो, व्हाट पे आउट रेशियो शुड, लिखा तो है कि 100%, तो 100% लिख देंगे। इज द वॉल्टर्स मॉडल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल और नथिंग अप्रोच, नो। क्या वॉल्टर मॉडल ये बोलता है कि या तो दो तो पूरा डिविडेंड दो या तो पूरा की कुछ भी मत दो, हाँ यही तो बोलता है, तो ये डिफरेंट नहीं है ऑल और नथिंग अप्रोच, इसको एक्सप्लेन करना। तो सर ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो थियोरिटिकल क्वेश्चन हो गया, यस पूरा थियोरिटिकल क्वेश्चन है। तो पहले मैं काम कर रहा हूं पॉइंट नंबर 1 थियोरिटिकल प्राइस ऑप्शन, P0 is equal to T plus E minus T R divided by K. अभी डिविडेंड कितना 6 प्लस N minus 6 R कितना है जी 0.15 divided by 0.1667 divided by 0.1667 आंसर है जी 10 माइनस 6 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1667 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0.1667 आंसर आ रहा है 57.58 मतलब 57.60 ले लेता हूँ, 58 आया सर, 58 ही क्यों नहीं ले रहा, चलो ले लेते। पॉइंट नंबर 2 इज द कंपनी पे आउट प्रैक्टिस इन सिंक विथ मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, क्या इससे वेल्थ मैक्सिमम होगी? तो लिख देते हैं नो, कंपनीज पे आउट रेशियो इज नॉट सिंक विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सर रीजन नहीं बताओगे? रीजन पॉइंट नंबर 3 में बोला आंसर, इफ द आंसर टू बी अबो इज नो, सॉरी ये ए है इसको मैं ए बोल देता हूं, ये ए और ये बी। तो बोल रहा है सी पॉइंट में, इफ द आंसर टू बी अबो इज नो व्हाट पे आउट रेशियो डू यू सजेस्ट, तो पॉइंट नंबर सी लिख रहा है। सिंस आर इज लेस देन हिज वर्न लेस देन के, hence all earnings all the earnings should be
distributed as dividend. Dividend payout ratio is equal to 100%. और एक काम किया करो, P0 भी निकाल कर बता ही देते. पॉइंट नंबर सी ही कंटिन्यू कर रहा हूं यहां. P0 is equal to D. ऑप्टिमल के हिसाब से, वैसे मांगा तो नहीं है पर हम बता देंगे. फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास ऑलरेडी? यस. तो बस पुट करना. डिविडेंड कितना देना? पूरा. पूरा मतलब 10. 10 प्लस 10 माइनस 10. आर कितना है बेटे? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1667 डिवाइडेड बाय 0.1667. तो 10 डिवाइडेड बाय 0.1667 आंसर आ गया 59.98. मतलब रुपये 60 ले लूं अब आंसर ज्यादा ही आएगा. तो ये था पॉइंट नंबर सी. अब आगे चल रहे हैं पॉइंट नंबर डी. इज वॉल्टर्स मॉडल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल और नथिंग? नो. क्योंकि वॉल्टर यही बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो इसी को लिखा हूं पॉइंट नंबर टी. वॉल्टर्स मॉडल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम All or nothing approach. As per Walters, Walter ने दो ही बात की. अगर R ज्यादा है केस, तो all earnings should be paid as dividend. अगर all earning ऐसे कर देता हूं, के ही ज्यादा है, के ही ज्यादा है आर से, तो all earning should be paid. अगर के ही कम है आर ज्यादा है तो नो डिविडेंड शुड बी पेड. डिविडेंड देने ही नहीं, इसलिए इसका और एक नाम है, या तो दो तो पूरा या तो कुछ भी नहीं. तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है सर, अच्छा था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब एक तो करना है क्वेश्चन नंबर 9 और एक करना है क्वेश्चन नंबर 10. तो सबसे पहले मैं करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 आप रीड करना स्टार्ट करोगे. क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 37. चलो भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं है. द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी, तो ये लो ई दिया हुआ है, गिवन ई दिया है रुपीज 10. इट हैज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आर दिया हुआ है 15%. एंड कैपिटलाइजेशन रेट को हम क्या बोलते हैं? के ई भी दिया है. कितना दिया सर के ई? 12.5%. बताओ क्या करें सर? डिविडेंड मत तो सीधा दिख रहा आर ज्यादा. इफ वॉल्टर्स मॉडल इज यूज्ड, पॉइंट नंबर 1, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो ऑफ द फर्म? ऑप्टिमल पे आउट रेशियो क्या आएगा? डिविडेंड नहीं देना, 0%. तो पहला वाला तो इजी है, पॉइंट नंबर 1. सिंस
आर इज मोर देन के, हेंस ऑप्टिमल पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 0%, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पे आउट? पॉइंट नंबर टू, आपको क्या निकालना, पी जीरो, पी जीरो इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय के होल डिवाइडेड बाय के। तो डिविडेंड 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 क्या बोल रहे हो, डिविडेंड कितना देना, जीरो प्लस टेन माइनस जीरो। आर कितना ले लें भाई, आर ले लेते 15%, और के कितना 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125। तो 10 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125, आंसर आ गया ₹96। पॉइंट नंबर टू भी हो गया। पॉइंट नंबर थ्री बोल रहा है, हाउ शेल द प्राइस ऑफ शेयर बी अफेक्टेड इफ डिफरेंट पे आउट रेशियो वर एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% लिए, इसकी जगह मान लो 20% 40% कुछ भी लेते, तो क्या शेयर का प्राइस यही आता, इससे ज्यादा आता कि इससे कम आता? हमने कहा कि शेयर का प्राइस मैक्सिमम होगा ये, वो भी तब होगा जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% लेंगे। अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ और ले लेते तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली कम आएगा, वही आपको प्रूव करके बताना है। पॉइंट नंबर थ्री लिख रहा हूं, इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अदर देन 0%, then price of share कम हो जाएगा, will decrease। suppose एक लेना पड़ेगा कोई, कितना लेने, सर 40% ले लेते, 40% that is d is equal to rupees 4, पी जीरो निकाल लेते हैं, 4 प्लस 10 माइनस 4 0.125 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर 96 से कम आना चाहिए। ओके सर, 6 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.125, आंसर आ गया रुपीस। इसके अलावा और कुछ भी ले सकते हो आप, 89.60। आप मैंने 40% लिया, आप 30% वगैरह करके दिखा दो कि जो पहले मार्केट प्राइस था वो कम हो जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब वॉल्टर्स मॉडल का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा है, वॉल्टर मॉडल खत्म हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन है जिसमें वॉल्टर एंड गॉर्डन दोनों मिक्स है, तो उसके बाद फिर हम वो करेंगे। कुछ होमवर्क भी दे दूंगा मैं आपको, तो क्या है, प्रैक्टिस हो जाए एक बार। तो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 37, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वॉल्टर्स मॉडल, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। नेट प्रॉफिट दिया हुआ 30 लाख, नेट प्रॉफिट मतलब डिविडेंड वगैरह माइनस नहीं, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड तो माइनस करना पड़ेगा, और इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12%, तो करना क्या, नेट प्रॉफिट कितना है बेटे? सर नेट प्रॉफिट है 30 लाख, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 100 लाख, और इसका डिविडेंड कितना आएगा, 12%, मतलब 12 लाख। तो देखा जाए तो अर्निंग्स निकल गए,
30 में से 12 गए, कितना बचा? 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर दिया 3 लाख, तो ईपीएस निकल जाएगा ई, 18 डिवाइडेड बाय 3 6। आर दिया हुआ है कितना? 20%। के ई भी दिया है कितना? 16%। व्हाट शुड बी दी अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखे, कितना होगा? एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाई यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। समझ रहे हो? इस बार उसने आपको P0 रखना है, आपको 42, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो बस इक्वेशन में पुट करना, जो चीज मिसिंग है उसको निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, सीधा लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो P0 का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या फॉर्मूला है? डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय के एन होल डिवाइडेड बाय के। P0 कितना रखना है आपको? 42। डी कितना, यही तो पता करना है। अर्निंग कितना है? 6 माइनस डी। आर कितना है बेटे? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 होल डिवाइडेड बाय 0.16। तो 42 इंटू 0.16 ये तो आ गया 6.72। ये तो डी ही रहेगा, प्लस इन दोनों को डिवाइड करके पहले 6 से 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 6, तो ये आ गया 7.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 और ये आ गया 1.25 डी। अब ये इधर चला जाएगा, तो 6.72 माइनस 7.50 इज इक्वल टू डी माइनस 1.25 डी। तो 6.72 माइनस 7.50 तो ये आ गया 0.78 और ये तो 0.25 डी। तो D इज इक्वल टू 0.78 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आंसर आ गया ₹3.12। तो भाई डिविडेंड पे आउट रेशो कितना आएगा सर? कितना रुपए डिविडेंड देना? 3 रुपए 12 पैसे। कितने कमाई में से? 6 रुपए में। तो डिविडेंड पे आउट रेशो निकल जाएगा 3.12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, तो आंसर आ गया 52%। ठीक है, तो ये वॉल्टर्स मॉडल खत्म हो गया। प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, थोड़े से स्पीड से कर लेना। लिखोगे होमवर्क, होमवर्क रहेगा एक तो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, बस हो गया सर 35। इतना क्वेश्चन होमवर्क है, सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, पर प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। अगली क्लास से हम क्या करेंगे? गॉर्डन और उससे और वॉल्टर और गॉर्डन का मिक्स, उसके बाद एमएम खत्म। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने अभी जो है वॉल्टर मॉडल खत्म किया। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है? डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है आर और के। इट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशो से शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ेगा। दिस इज रेलिवेंट थ्योरी, मैंने डिस्कस किया था। और रेलिवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन में और एक का नाम मैंने आपको लिया था,
हाँ सर, उसका नाम क्या था? गॉर्डन। ये हमारा गया सेकंड। गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल को एक बार आप सिक्योरिटी एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, इस पे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करवाना। इसी को आप क्या बोलते थे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अच्छा सर, यही है क्या? हाँ बेटे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। या फिर इसी को बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। एक ही बात। ठीक है, चाहे मैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोल दूं, चाहे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोल दूं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गॉर्डन मॉडल बोलते हैं बोलता क्या। तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो ऐसे करूंगा। पहला रूट, एस पर गॉर्डन्स मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अफेक्ट्स दो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर या प्राइस ऑफ शेयर। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। यही बात है, इसलिए इसको कौन सी थ्योरी बोलती, इट इज कॉल्ड रेलिवेंट थ्योरी। ऑफ डिविडेंड डिसीजन ठीक है यहां तक? ओके सर, आगे लिख। एज पर वॉल्टर्स मॉडल, वैल्यू पर शेयर दैट इज पी जीरो is calculated as it। अब बेटे पी जीरो निकालने का इसका फॉर्मूला दिया है उन्होंने, और फॉर्मूला दिया पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस। सर ये तो हमको मालूम है। हाँ बेटे, कहाँ सारी चीजें पढ़ चुके, डिटेल में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था? ये सिक्योरिटी एनालिसिस में। ठीक है सर, अब मैं बेकार टाइम पास नहीं करवाऊंगा कि डी वन कैसे निकालोगे, डी जीरो वन प्लस जी, ये सब पता है आपको। सर जी ना दिया हो तो, जी ना दिया हो तो बी इंटू आर, ये भी पता है। तो इस पे इसको मैं बोल सकता हूँ रेफर सिक्योरिटी एनालिसिस, लेकिन क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन वॉल्टर और गॉर्डन। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये भी है, P zero is equal to E one minus B
डिवाइडेड बाय के माइनस बी इंटू आर। हालांकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही बात, कुछ अलग नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या बोल रहा हूं, ठीक है जी। और कहां पढ़ा हुआ है डिटेल में, डिटेल में तो डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है रेफर सिक्योरिटी एनालिसिस। और सर सिक्योरिटी एनालिसिस में कहां पढ़ना, इक्विटी वैल्यूएशन, ठीक है जी। पर फिर भी मुझे एक एग्जांपल तो करवाना ही पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने, तीन चार क्वेश्चन है बना लेते ना भाई, टेंशन खत्म करते, ठीक है जी। तो अब हम लोग एक एग्जांपल बनाएंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो हमारे काम के हैं, जिनको हमारे हमें बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलो जी, तो लिखोगे एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर ईपीएस। सर बेटे मैं इसको ई बोल सकता हूं, यस, मान लो ई है रुपीस 10। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपसे बोल सकता हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो, मान लो 70%। इसका मतलब समझते हो, हाँ सर, 10 रुपए का 70% डिविडेंड दिया जाएगा, दैट इज रुपीज 7। अब सोच के बताना, अगर मैं 70% डिविडेंड दे रहा हूं तो रिटर्न कर कितना कर रहा हूं, दिस इज रिटेंशन रेशियो, इसको हम बी बोलते हैं, कितना परसेंट, 30%। इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि सारा की सारा फाइनेंस जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है वो हमें इक्विटी से ही लगाना है, इसलिए इसको मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम इसको आर बोलेंगे, आईआरआर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो बेटे ये है 10%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम क्या बोलते हैं, केई, केई ले लीजिए 15%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट प्राइस पर शेयर। सर ये तो वॉल्टर से भी निकल सकता बिल्कुल, पर मैं बोलूंगा कैलकुलेट प्राइस पर शेयर एज पर गॉर्डन्स मॉडल। सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने ढंग से पढ़ रखा है कि गॉर्डन मॉडल से पी जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है डी वन एक साल बाद का डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब सोच के बताओ बेटे, 10 रुपए कमाओगे, एक्सपेक्टेड है याद रखना एक्सपेक्टेड, तो 10 रुपए कमा के 7 रुपए डिविडेंड दे दोगे तो इधर कितना जाएगा, 7, एग्री, यस सर। के ही दिया हुआ है 15% को हम यहां क्या लिख सकते हैं 0.15, बस। अब किसकी जरूरत है, जी, और जी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी का मतलब आप रिटर्न कितना परसेंटेज कर रहे हो, सर हम 30% रिटर्न कर रहे हैं, 0.30, और जो रिटर्न कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट कितने पे कर रहे हैं, 10% पे 0.10, तो 0.03 दैट इज 3% ग्रोथ है, तो ग्रोथ को यहां पर बस बात खत्म, 0.15 माइनस 0.03 7 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू इनटू
वापस, तो ये आ गया रुपीस 58.33। पर अब सुनो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, पी जीरो इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी इंटू आर। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला यही तो है। ई का मतलब क्या होता है, ईपीएस, और ईपीएस कितना दिया 10, तो मैं यहां लिख देता हूं 10 1 माइनस। बताओ बेटे रिटर्न कितना कर रहा है, 30%, तो डिविडेंड कितना देते होगे 70%। तो 70% निकालने का तरीका ये और कुछ नहीं, तो ये डिविडेंड ही तो आया ऊपर D1 के, ये तो हमको मालूम है 0.15। अब बेटे B into R क्या होता है, G, तो G ना लिख के मैं सीधा B into R लिख देता हूं, और B into R मतलब मुझे लिखना पड़ेगा 0.30 into 0.10। अल्टीमेटली सर वही आ जाएगा रुपीज 58.33। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेवकूफी वाला काम है सर, ये फॉर्मूला ही अलग है। बेटे कुछ नहीं है, वही तो फॉर्मूला है, बस ऐसा देखकर डरने वाली बात नहीं, फॉर्मूला वही। तो यह गॉर्डन मॉडल कुछ, बस ये भी वही चीज बोलता है कि यार कहीं कहीं डिपेंड करता आर और के, वो भी आर और के पे, पर इसमें ना हमको पूछेगा नहीं कि बताओ हमको क्या करना चाहिए, वो बस आपको वैल्यू देगा, कहेगा पी जीरो निकालिए, और सिक्योरिटी एनालिसिस हमने कर चुके तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और अब हम लोग बना रहे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 36 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 36। पढ़ते हैं। लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया, कुछ नहीं लिखा है करंट डिविडेंड पर शेयर, ऐसा भी नहीं लिखा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऐसा भी नहीं लिखा, डिविडेंड पेड़ कुछ ना लिखा है, तो D1 मान के चलना, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर दिया है, करंट नहीं है, फ्यूचर का मान के चलो। के दिया है 16%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया 20%, रिटेंशन रेशियो मतलब बी दिया 40%। फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। तो चलो काम करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते, वॉल्टर और वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला याद होगा मुझे उम्मीद है, डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय की होल डिवाइडेड बाय की। कितना देना है जी डिविडेंड, ₹3। कमा कितना रहा, 5, 5 में से कितना दे दिया 3, आर कितना 0.20 और के कितना दिख रहा है 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16। वो ये नहीं पूछ रहा एडवाइस, बस बोले प्राइस निकाल लीज, तो 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0.16, तो ये आ गया रुपीज 34.375। वॉल्टर था सर, बिल्कुल इजी है डिविडेंड तो। हाँ भाई, दूसरा किसकी बात करें, गॉर्डन्स मॉडल, और गॉर्डन्स मॉडल में पी जीरो इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माना ची, डिविडेंड कितना दिया जा रहा 3, के ही कितना सर, के ये है 0.16 माइनस, बस जी निकालना पड़ेगा, और जी का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू आर, बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो है 40%, 0.40।
आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.26, ये आ गया 0.08 ग्रोथ रेट आंसर। 3 / 0.08 तो ये आया बेटे रुपीज 37.50। ये पहले किया हुआ हमारा, ये अभी हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने किया, सिंपल 5 नंबर का आएगा, ज्यादा उम्मीद मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 38। लिखा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जे लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स का रेट दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, मतलब अर्निंग निकल जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर दिया तो ईपीएस निकल जाएगा, और इसके अलावा आपको केई दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, हो जाएगा। मैं एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूं, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 करोड़, मतलब 250 लाख, माइनस क्या हो जाएगा टैक्स 40%, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 लाख माइनस होगा, तो यहां जो आएगा वो आएगा 150 लाख। अब ई निकल सकता है 150 लाख डिवाइडेड बाय, चेक करो बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50 लाख। ₹3 आ गए हैं। इसके अलावा और ये बस गॉर्डन मॉडल अप्लाई करेंगे। P0 = E1 - P K - B × R। अर्निंग को एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूं, ई ₹3 सर, 1 - B तो 1 - 0.40, ओके। के ई कितना है, के ई है 0.12 और बी इंटू आर, तो बी कितना है 0.40 × 0.15। ठीक है, इसको और एक स्टेप में नीचे ले जाते हैं, तो 3 × 0.6 0.06, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 0.06 आंसर आ गया रुपीस 18। कैलकुलेशन मिस्टेक, ये आएगा रुपीस 30, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, कोई इश्यू। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने बनाया। अब सर अब कौन सा क्वेश्चन करें, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 38। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 38। लिखा मिस्टर ए इज कॉन्टेम्पलेटिंग परचेज 1000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, His expectation of return is 10% before tax। Underline करो,
शेयर होल्डर मुझसे कह रहे हैं कि भैया कंपनी से कि हमको 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए डिविडेंड के रूप में, ये बिफोर टैक्स। और मैंने कहा टैक्स कौन देगा, बोले जो हमको इनकम मिलेगी उस पर हम टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको 10% तो चाहिए चाहिए। अभी शेयर होल्डर बिफोर टैक्स है, मतलब मैं मान के चला हूं डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा उनको, खैर बाद में देखेंगे। बाई वे ऑफ डिविडेंड विथ एनुअल ग्रोथ है 5%, तो शेयर होल्डर का रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न अभी कितना है 10%, तो जिसको मैं क्या बोल सकता हूं के 10% है और ग्रोथ रेट दिया है 5%। द कंपनी लास्ट डिविडेंड वाज ₹2 पर शेयर D0 ₹2। Even he, as he is contemplating, Mr. A suddenly finds, due to budget announcement, dividend have been exempted from tax in the hands of recipient. इसका मतलब बजट से पहले डिविडेंड के डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल था, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न कितनी थी 10%, और उसमें से वो कुछ टैक्स देते रहे होंगे, लेकिन अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट द इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द कंपनी इज लाइकली टू लीड टू फॉल डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर, मार्जिनल टैक्स रेट है 30%। सुनना ध्यान से, आपकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, और मैं बोल रहा हूँ टैक्स कौन देगा, बोले शेयर होल्डर बोले टैक्स हम ही दे देंगे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बजट अनाउंसमेंट से पहले की, तो उस हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए बिफोर बजट, P0 is equal to D1 divided by K minus G. D1 ने दिया ₹2 दिया D0, तो हम 1.05 कर देंगे। K कितना है 0.10 माइनस 0.05, आंसर अच्छा है 2 × 1.05 डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर आ गया बेटे ₹42। After बजट के बाद क्या होगा, क्या अब इनको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, ये तो खुश है। इट मीन 10 मिल रहा था, अभी भी मुझसे 10 ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि जो टैक्स दे रहे थे ना, टैक्स का रेट कितना 30%, अब वो 30% आपको नहीं देना पड़ेगा। मैं कहूंगा शेयर होल्डर अब आपकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले आप टैक्स देते थे तो आपको तो नेट कितना बचता था 7% ही बचता था, 10% कमाया 30% टैक्स दिया तो आपको तो 7% ही बचा, तो अब आपकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए 7%, बाकी सब चीजें वही है। हाँ लेकिन बेटे एक बात है, डिविडेंड आगे से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की वजह से 20 पैसे कम दिया जाएगा। इसका मतलब सर अब P0 ऐसे निकलेगा, आज का डिविडेंड है ₹2, एक साल बाद का डिविडेंड है, पर उसमें से हम 20 पैसे माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 0.07 माइनस 0.05। या सर ऐसे भी तो हो सकता, अभी ₹2 है, इसमें से अभी ही 20 पैसे माइनस कर देते हैं तो बचेगा ₹1.80, फिर कर देते 1.05 डिवाइडेड बाय 0.07 माइनस 0.05, दोनों ही अल्टरनेटिव से आंसर निकाला है प्रैक्टिस मैनुअल। ठीक है सर, ज्यादा अच्छा कौन सा, वैसे तो ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसके हिसाब से बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी तो बढ़ेगा, पर चलो कर लेते 2 × 1.05 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02, आंसर ₹95, या फिर 1.80 × 1.05 डिवाइडेड बाय 0.02, या फिर आप लिख सकते हो 94.5। ज्यादा लॉजिकल मुझे ये लग रहा है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 14 तक अभी हमारा काम खत्म हो चुका है।
14 के बाद अब बना रहा है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 39। कंसीडर ए कॉमन स्टॉक हुज डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 25% फॉर 2 years, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 5%। याद है डबल डिस्काउंट। हाँ सर, पहले 2 साल तक डिविडेंड रेट अलग है और उसके बाद फिर अलग है। ये क्वेश्चन सिक्योरिटी एनालिसिस में कई बार किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डिविडेंड पेड लास्ट पीरियड वाज ₹2, द इन्वेस्टर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है 20%, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इस क्वेश्चन में तो हम एक्सपर्ट है भाई, प्रॉब्लम क्या है समझाना। ये 8, यह है 1 साल बाद। आज डिविडेंड कितना है सर? आज डिविडेंड है ₹2, ₹0। 1 साल बाद कितना होगा सर? 1 साल बाद 25% का ग्रोथ हो जाएगा तो कितना? 2, 1 point, तो यह आ जाएगा D1। ये आ गया ₹2.50 1 साल बाद। और सर 2 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद भी 25% का ग्रोथ होगा 2 साल तक, तो 2.50, 1.25, तो ये आ गया D2 कितना? 3.125। याद है ये काम करते थे हम लोग? हाँ सर याद है। इसके बाद तो ग्रोथ परपेचुअल हो जाएगा तो हम क्या निकाल लेते थे? P2। और P2 का फॉर्मूला क्या होता था? D3 / KE - G, तो 3.125। ग्रोथ रेट परपेचुअल कितना हो जाएगा बेटे उसके बाद? 5% / KE कितना? 12%। तो 0.12 - 0.05 M+ में डाला, 3.125 × 1.05 / MRC = तो ये आ गया ₹46.875। दिस इज P2, 46.875। ठीक है, अभी क्या करना है? इसको डिस्काउंटिंग करना है, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड 1.12, पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.12 पावर 2 प्लस 1.12 पावर 2। इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये सब किया हुआ तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? P0। निकाल देते 2.50 / 1.12 = M+, 3.125 2 बार = M+, 46.875 2 बार = M+MRC। तो सीधा सीधा बेटे ये आ गया ₹42.09। ठीक है सर, ये हमारा किया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस, मैंने अच्छे से करवाए इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया सर। इसके अलावा और एक कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 39 पे है। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते, हो गया। सर पहले 39 कर लेते फिर 38 कर लेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 44। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस में किया हुआ क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
इट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस एंड हैज पेड कैपिटल ऑफ ₹10 per share. एक्स लिमिटेड हायर्ड स्वास्तिका कंसल्टेंट टू एनालाइज द फ्यूचर अर्निंग एंड रिपोर्ट ऑफ स्वास्तिका कंसल्टेंट स्टेट्स एज फॉलोस. तो भाई किसी पर्सन को पकड़ा बोल रहा है कि आप हमारा अर्निंग बता सकते हो कि फ्यूचर में. उन्होंने कहा ठीक है हम एस्टिमेशन करके बताते हैं. अर्निंग एंड डिविडेंड विल ग्रो 25% फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स. पहले साल 25 फिर 25 एंड अर्निंग आर लाइकली टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स और तीसरे साल और उसके बाद से परपेचुअल. ठीक है. फर्दर इफ देयर इज अ रिडक्शन इन अर्निंग ग्रोथ. अगर ग्रोथ 25-25 था ठीक था लेकिन बोले ग्रोथ अगर रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है 10% हो जाता है ग्रोथ तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है हम बढ़ा के 50% कर देंगे. द अदर डेटा रिलेटेड टू कंपनी आर एस फॉलोस. पिछले साल का दिया हुआ 2010 2011 2012 2013 2014 तो जो अभी बीता है वह है 2014 उसके बाद से हमको काम करना. यू मे एज्यूम दैट टैक्स रेट 30% and not expected to change in future. भैया टैक्स रेट को क्या करोगे टाइम पास. हमें तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए दिया हुआ 15% बाई यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो. सिचुएशन सुनना ये 2014 जो बीत चुका आज ईपीएस दे रखा 9.50 रुपए और डी जीरो दे रखा 3.84. ये पहला साल फर्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेड ईपीएस बता सकते हो. हाँ सर कितने परसेंट का ग्रोथ है 25% तो 9.60 रुपए 1.2 ईपीएस आ जाएगा. D1 निकल सकता है कि यस सर 3.84 × 1.25 4.8. अब बात आती है D2 की. तो बोले EPS 12 1.25 15 रुपए. तो क्या D2 भी निकल जाएगा. हाँ सर उतना ही ग्रोथ है 4.8 × 1.25. पर इसके बाद ग्रोथ रेट परपेचुअल हो गया. बोल रहा कितने परसेंट से परपेचुअल हो गया 10% से. तो ठीक है सर फिर तो काम करते हैं हम सीधा क्या निकालेंगे. हम निकालेंगे P2 और P2 का फॉर्मूला क्या है D3/K-G. ठीक है तो सर D3 इसको बढ़ा देते हैं. नहीं भाई नहीं यहां मैंने आपको पहले D3 कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है. यहां जो ग्रोथ है 15 रुपए वो ग्रोथ है 10% का. तो D3 कैसे आएगा 15 × 1.10 16 रुपए 50 पैसे. तो सुनो D3 ऐसे निकलेगा 16 रुपए 50 पैसे का 50% रहेगा बोले डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो 8 रुपए 25 पैसे. हाँ इसके बाद से ग्रोथ रेट वैसे ही जाएगा. तो बेटे D3 वैसा नहीं निकलेगा. D3 यहां लिखना पड़ेगा 16 रुपए 50 पैसे. उसके बाद जितने परसेंट से ग्रो होगा अर्निंग उतने परसेंट से डिविडेंड भी ग्रोथ रहेगा. मतलब फिर हमेशा के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होगा. के ई चेक कर लो कितना है. के ई है सर 15% और ये 0.10 0.1 16 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड 0.05
तो ये आ गया बेटे रुपीज 330 और ये आ गया मेरा P2 रुपीज 330। अब क्या करना, इसका तो मतलब ही नहीं है, हमें यहां से जाना डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1 प्लस 1.15 पावर 2, उधर नहीं जाना, ये काम का नहीं है ना, पावर 2 ही तो होगा। यस पावर 2, तो 4.80 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस 6 दो बार इक्वल टू एम प्लस 330 एक दो एम प्लस एमआरसी। जब इसको डिस्काउंटिंग किया, इसको डिस्काउंटिंग किया, इसको डिस्काउंटिंग किया, तो यहां की वैल्यू आ गई दिस P0 मार्केट प्राइस, ये आ गई 250.24। अब क्या निकालना मुझे, प्राइस अर्निंग रेशो, हमको मालूम है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो सर एमपीएस एक्चुअल और नहीं बेटे, जो आपने निकाला है 258.24 और ईपीएस तो हमको मालूम है यहां का 9.60। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आ गया, 258.24 डिवाइडेड बाय 9.6 26.9 टाइम्स, दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर हो जाता है, हम करते हैं। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 44 पढ़ा। अ फर्म हैड बीन पैट, हैड बीन पैट मतलब D0 ₹2। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5%। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 8%, 3%। Also find out the present market price of share given that required rate of return 15.5%। होमवर्क है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क ही लिख लो बेटे, इसके बाद तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन किया हुआ है सिक्योरिटी अंदर से। होमवर्क में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 38, ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन और आया है नया वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस पैनल में डाला गया है, बस वो लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये मॉडल खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 40 पढ़े। जी सर, लिखा रहीम इंटरप्राइजेस इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ उलन गारमेंट्स टू यूरोपियन कंट्री, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर करते एक्सपोर्ट करते उलन गारमेंट्स का जो यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देयर बिजनेस इज एक्सपांडिंग डेंट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज रजिस्टर्ड अ 25% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस। इसका इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ हो जाएगा, मेरे अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, बच्चे गलत समझ रहे, इस क्वेश्चन को ही गलत ले लिया। वो बोल रहे भाई अभी बिजनेस है पर इस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है, एक्सपैंड। अब इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करो कि ग्रोथ होगा हर साल 25%, भैया ऐसा कहां लिखा, कुछ भी कैसी बात कर रहे हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना बिजनेस पहले जितना था उसका 25% और बढ़ा दीजिए, अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं, एक बार अर्निंग में ग्रोथ होगी उसके बाद तो काम होगा, आप बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो, ठीक है।
हाँ सर, जैसे अभी हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और पैसा डालेंगे तो और 50,000 कमाएंगे तो हमारी अर्निंग कितनी होगी? 2,50,000। बस बात समझने की कोशिश करो, आप इसको इंटरप्रिटेशन गलत समझ रहे हो तो फिर वो दिक्कत की बात है। ये मेरा बिजनेस है सर, 2 लाख कहां से है बेटे, मन से बोल रहा हूं। इस पे अभी हम कितना कमा रहे हैं? 2 लाख एग्जिस्टिंग बिजनेस। और अगर हम इसको एक्सपैंड कर देते, ये लो 25% से मैंने बिजनेस बढ़ा दिया ग्रोथ, ये लो बिजनेस को मैं एक्सपेंड कर दिया और मैं कह रहा हूं और कितना कमाऊंगा इससे? 25,000 कमाऊंगा। तो बताओ आगे से आप कितना कमाओगे? सर 2 लाख ये और 25,000, 2,25,000। क्या कोई ग्रोथ दिख रहा है कि हर साल ग्रोथ हो रहा? नहीं भाई नहीं, 2 लाख में 25,000 और बढ़ जाएगा और आगे से 2,25,000 होगा। अर्निंग में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ। ओके सर, बस यही खास बात थी इस क्वेश्चन, बाकी अब समझदार हूं। ओके सर, आगे बढ़ा। द कंपनी, यहां तक पढ़ा हूं मैंने, द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो 25% एक्सपैंड किया जा सकता ना वो बता रहा है। इट इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस, इंपॉर्टेंट है ऑल इक्विटी फाइनेंस का मतलब है कि अगर हम किसी नया बिजनेस में अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो पैसा डेट वालों से नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से। और इक्विटी से या तो नया शेयर इश्यू कर दीजिए या तो आपने जो कमाया है इक्विटी के लिए उनको डिविडेंड ना देकर आप उसको बिजनेस में लगा लीजिए। तो लिखा इट इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी विथ 10 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू है पचास। करंट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 125x डिविडेंड एंड एनुअल अर्निंग 25 रुपए पर शेयर एंड इन द एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन परपेचुअली। बेटे समझने की कोशिश करो, आप जो कमा रहे हो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। साफ साफ लिखा कि कॉन्स्टेंटली हम उतना ही कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो पूरा की पूरा डिविडेंड दे रहे हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो के ही निकाला जा सकता है। हाँ सर, अब भी बताओ कितना डिविडेंड दे रहे हो? सर हम दे रहे हैं हर साल 25 रुपए और आज शेयर का प्राइस कितना है? 125। सर ग्रोथ है ना बेटे? नहीं है ग्रोथ, अर्निंग में ग्रोथ थोड़ी ना है। तो क्या परसेंटेज बता सकते हो? यस, इन 200 25 ही है ना? हाँ 25 डिवाइडेड बाय 125 यार अभी शेयर होल्डर को हम 25 रुपए डिविडेंड दे रहे तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न कितना होगा? 25%। आगे क्या लिखा होता है? ऑल अर्निंग्स आर ये भी बोल दिया, बताओ यार इतनी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन फिर बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते? ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्रेजेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल विथ Which will cost ₹175 crores in first year। बोले आपके पास, सुनना ध्यान से, 175 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है आपको और अगर इतना कर देते एक्सपेंड कर देते बिजनेस में तो हर साल 50 लाख और आएगा, जितना कमा रहा है वो और 50 लाख और। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड शेयर प्राइस। एक बात बताओ अभी शेयर का प्राइस कितना है? 125 रुपए। अब सुनना ध्यान से, समझते जाने के लिए वो बोल रहा है कि आप फर्स्ट ईयर में, जैसे हम अभी डिविडेंड कितना दे रहे हैं, टोटल डिविडेंड अभी दे कितना रहे, टोटल डिविडेंड सर हम दे रहे हैं 25 रुपए एक शेयर पे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं है यार इसमें। अच्छा दिया 10 लाख, तो इसका मतलब अभी आप डिविडेंड दे रहे हैं 250 लाख। तो मैं आपसे बोल रहा हूं डिविडेंड आपने कमाया कितना, मैं पहले साल की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से अर्निंग सर हमने कमाया 250 लाख। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि प्लीज आप डिविडेंड मत दीजिए। अच्छा तो क्या करना? बोले माइनस आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कैपिटल वेस्टिंग में किया इस टाइप का क्वेश्चन, कितना इन्वेस्टमेंट बजट है? 175 लाख
तो मतलब अब तो डिविडेंड दे सकते, बोले अब पहले साल डिविडेंड दे दीजिए। 250 लाख माइनस 175 लाख, तो 75 लाख रुपए डिविडेंड दे दीजिए। एक शेयर पे निकल सकता है डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10 लाख। तो डी वन निकल जाएगा क्या? यस। तो पहले साल डिविडेंड आ गया 7.50 रुपए। और बोले उसके बाद सेकेंड ईयर से पी टू निकाल सकते, उसके बाद परपेचुअल कितना? बोले हम सेकेंड ईयर से, सुनो मैं पहले डी टू निकाल रहा हूं, इसमें तो पी टू क्यों निकलेगा, पी वन निकले डी टू। बोले डी टू ऐसे होगा, बोले 250 लाख तो जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है। जी सर एग्री है। प्लस और एक्स्ट्रा कमाई होना स्टार्ट हो जाएगी, कितनी, 50 लाख बोला है, और अब इतना डिविडेंड दिया जाएगा। अब ग्रोथ नहीं है, बस ग्रोथ किसकी है, हर साल 50 लाख रुपए हमारा बढ़ा, पहले 250 था अब 50 और आ गया। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख, तो सर टोटल मिलाकर 300 लाख की कमाई है डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो डी टू कितना जाएगा, 30, तो पी वन निकाल देते हैं, डी टू डिवाइडेड बाय के। अब परपेचुअल हो गया हमको 30-30 रुपए डिविडेंड मिलेगा, और के कितना, 0.20। तो ये आ गया 150, तो 150 क्या आ गया, पी वन 150। अब करना क्या है, बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं डिवाइडेड बाय 1.20 पावर 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1.20 पावर 1, 7.50 रुपए प्लस 150 डिवाइडेड बाय 1.20। तो आंसर आ जाएगा, दिस इज पी जीरो 131.25। और पहले मार्केट प्राइस कितनी थी, 125, तो इंक्रीज इन प्राइस ₹131.25 - 125 रुपीज 6.25। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन ये कि हमारा किया हुआ है प्रेजेंटेशन, सर कैसे होगा ये सब किया हुआ, सिक्योरिटी ये तो कैपिटल इन्वेस्टिंग में करवाया हूँ, सिक्योरिटी एनालिसिस में भी करवाया और यहां भी करवाया, तीन तीन जगह क्वेश्चन। मैं आपको रेफरेंस नंबर दे दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन चेक कर, होमवर्क लिख ले एक बार, ठीक है सर। तो होमवर्क लिख ले, 38 तो मैं दे चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे हैं। और ये हमारा अब वॉल्टर्स हो गया था, गॉर्डन मॉडल भी खत्म हो गया, गॉर्डन मॉडल कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी एनालिसिस अगर आपका अच्छे से किया हुआ है तो मैं ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहा था, मैं लिख देता गॉर्डन मॉडल रेफर सिक्योरिटी एनालिसिस, खत्म हो जाता। पर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाए, आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस पे, ही होमवर्क क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने डिविडेंड चल रहा है, डिविडेंड में क्या क्या पढ़ा, वॉल्टर पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, गॉर्डन्स पढ़ा। और दोनों ही बोलते हैं कि डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसकी वजह से शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ता है, वेल्थ पे फर्क पड़ता है, मतलब हमको आर और के ई वगैरह देखना पड़ता है। अब उन दोनों जो कॉन्सेप्ट थे डिविडेंड थ्योरी के, कौन कौन सा, वॉल्टर और गॉर्डन्स, वो किस में कवर था, रेलिवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिसीजन। रेलिवेंट का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेलिवेंट है, डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब बात हो रही है इरेलीवेंट थ्योरी। सर ये इरेलीवेंट थ्योरी मतलब बेटे इसमें एक ही पर्सन है जिसका नाम है एम एम मोडी ग्लानी मिलर, और वो ये बोल रहे हैं कि आप डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो दीजिए चाहो तो मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है तो आप कमा कितना रहे,
इट मींस उनका क्या कहना है, सुनना यहां से। उनका ये कहना है कि मान लो कमाई हो रही है 1 लाख अर्निंग्स, और इसमें डिविडेंड आप दे रहे हो 50,000, और नेक्स्ट ईयर मान लो कमाई 1 लाख ही होगी और डिविडेंड मान लो 60,000 देते हो, तो शेयर के प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वैसे वॉल्टर और गॉर्डन की हिसाब से डिविडेंड पर डिपेंड करता है डिविडेंड कितना दे रहा हो, लेकिन बात हो रही है एमएम, और एमएम क्या बोल रहा है, बोले डिविडेंड हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट है अर्निंग। अर्निंग पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, तो शेयर होल्ड शेयर की प्राइस पे, शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स, डिविडेंड नॉट रेलिवेंट, ये बोल रहा है एमएम। और इसी बात को उसने प्रूव करके बताया है कि देखो शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, वो जो थे वॉल्टर और गॉर्डन, वो लॉन्ग टर्म सोचते थे, एमएम बोलता लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, शॉर्ट टर्म का सोचो, बात खत्म। मैं इसको समझाता हूँ, समझाते हुए काम करता हूँ, पर पहले ना कुछ स्टेप्स लिखवा दूँ, कुछ काम करवा दूँ, उसके बाद तो लिखोगे टॉपिक का नाम। Modigliani and Miller model. Falling. पहले ये लिख लेते हैं कि एमएम बोलता क्या, तो लिख लो, पहला डॉट लगा रहा, एज पर एम एम मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड does not affect the wealth of shareholders. It is irrelevant theory. Of dividend decision. Following steps are applied to calculate wealth of shareholders. Step number one. Calculate price of share at the end of year. P1 is equal to P0
वन प्लस के माइनस टी। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड। इन्वेस्टमेंट बजट माइनस रिटेन अर्निंग्स। फंड रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय पी वन, तो यहां जाएगा नंबर ऑफ न्यू शेयर। सारी बातें समझा रहा हूं, बस एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से बात करें। तीन स्टेप में काम हो गया, स्टेप नंबर टू हो गया, स्टेप नंबर थ्री। कैलकुलेट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स लिख देता हूं, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पी वन। ठीक है जी, तो सारी बातें आराम से धीरे धीरे डिस्कस कर लेते, टेंशन खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू सारी बातें कर लूंगा, पर पहले जो बात है वो बात है कि सर ये क्या फॉर्मूला है ये बताओ। बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता, बस इसी पे फोकस करना, फॉर्मूले पे। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बस आंसर देते जाना, आंसर शॉर्ट टर्म का सोच के बताना। मैं आपसे बोल रहा हूं मैं कि यार मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूं, सपोज ये शेयर, मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूं आज, और मुझे मालूम है शेयर अगर आज खरीद लूं, आज कितने का ये नहीं मालूम, पर मैं कहता हूं आज शेयर खरीद लूं तो एक साल बाद कितने का बिकेगा ये मैं बता सकता हूं। मैंने कहा यार ये शेयर ना एक साल बाद 500 का बिक जाएगा, फाइनल एक साल बाद 500 का बिकेगा, ठीक है। लेकिन बिकने से पहले, बेचने से पहले मुझे डिविडेंड भी मिल जाएगा और मुझे 40 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। ये मैं बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा हूं, शॉर्ट टर्म एक साल बाद, एक साल के लिए होल्ड करना चाहता हूं। आज कोई एक शेयर खरीदता हूं, एक साल बाद मुझे 40 रुपए 40 रुपीज डिविडेंड मिल जाएगा और मेरा शेयर 500 का बिक जाएगा, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ई मान के चलो 10% है। तो बताइए इस शेयर का मैं आज कितना पैसा दे सकता हूं। सर प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना, काम खत्म। यस, एक साल बाद कितने का बिकेगा 500 एक साल बाद, और डिविडेंड कितना मिलेगा 40, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू मैं आज देने को तैयार हूंगा। इट मींस मैं P0 अगर निकालूं, P0 मतलब आज का प्राइस, एक साल बाद कितने का बिकेगा, दिस इज P1, और 40 रुपए मुझे क्या मिलेगा डिविडेंड, D1 भी बोल सकते हो। डिवाइड क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू करना है तो 1+K ही करना पड़ेगा। क्या इसको डिराइव कर सकते, यस सर, P0 1+K इज इक्वल टू P1 प्लस D1। तो P1 का फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि यस P0 1+K माइनस D। अच्छा सर, सर आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि PM में ये लिखा हुआ है, यस, पर अगर देखा जाए तो आज जितना पैसा लगा रहे उसका फ्यूचर वैल्यू, आज जितना पैसा लगाने वाले हो उसका फ्यूचर वैल्यू मुझे मिलना चाहिए।
और उसमें से अगर डिविडेंड मिल जाता तो भाई बचा हुआ जो भी उतने का मेरा शेयर बिक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूँ। आज जितना पैसा लगा रहा हूँ, यहाँ से देखो आज जितना पैसा लगा रहा हूँ उसका कौन सा वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जितना भी मेरा उतने का शेयर बिकना चाहिए। और अगर डिविडेंड मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिविडेंड मिल जाता है तो बचा हुआ मुझे शेयर के प्राइस से मैं कंप्लीट कर लूंगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब भी सर ये क्या चक्कर है वो बाद में समझेगा, वो एग्जाम्पल, अब भी बस ये समझा रहा हूँ कि एक साल बाद का प्राइस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। आज का प्राइस, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस, अगर डिविडेंड मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बचा हुआ मैं शेयर से पैसा निकाल लूंगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ कि एग्जाम्पल से करवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है एमएम, सबसे ज्यादा सिंपल है, बस आराम से सुनते जाना एग्जाम्पल, ठीक है जी। हाँ बच्चों, तो अब जो स्टेप्स मैंने करवाया हूँ आपको 1 2 3 उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। और ये समझ लीजिए कि एग्जाम्पल कर लिया ना तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी एमएम के, एग्जाम्पल नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग, वन लाख शेयर्स, ऑफ रुपीज 100 ईच, 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चल रहा हूँ। या फिर 100 रुपए को आप हटा दीजिए, छोड़ो जी, 1 लाख शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 150, 150 रुपए करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग्स, अर्निंग्स ले लो 5 लाख रुपए, कैपिटलाइजेशन रेट 15% पर है, रिक्वायरमेंट 1st कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर एट दी एंड ऑफ ईयर्स इफ कंपनी पैट रुपीस 3 per share एज डिविडेंड नो डिविडेंड पैट कैलकुलेट नंबर ऑफ
न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड इफ इन्वेस्टमेंट बजट ₹7 lakh एंड कंपनी पेड डिविडेंड दूसरा नॉट पेट थर्ड कैलकुलेट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इफ कंपनी पेड डिविडेंड नॉट पेड तो तीन सिचुएशन में हमको काम करना सबसे पहले P1 निकालना उसके बाद नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालना उसके बाद हम लोगों को वेल्थ निकालना है और टारगेट क्या है टारगेट ये है कि हमको ये प्रूव करना है कि डिविडेंड देने या डिविडेंड ना देने से शेयर होल्डर के वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये बात प्रूव कहाँ होगी थर्ड स्टेप से तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्राइस ऑफ शेयर एट ईयर एंड पहला काम तो ये करना पड़ेगा सर फॉर्मूला क्या फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू P0 1+KE-T दो सिचुएशन ले लेते हैं डिविडेंड पैट और दूसरे में नॉट पैट दोनों सिचुएशन में हम P1 निकाल रहे हैं P1 is equal to P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस कितना 150 1+KE मतलब 1.15 और डिविडेंड कितना है डिविडेंड है ₹3 तो माइनस क्या करोगे 3 और यहाँ 150 1.15 और डिविडेंड तो दे ही नहीं रहा है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं देखते P0 P1 कितना है 150 इंटू 1.15 माइनस 3 तो ये आ गया रुपीस 169.50 और ये आ गया रुपीस 172.50 सर शेयर की प्राइस में तो अंतर आया है पिटे मैंने कहा ना वेल्थ मुझे निकालना वो लास्ट में हालांकि आप ध्यान से देखोगे शेयर के प्राइस पे भी कोई वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर खैर आपको लास्ट में सारी बातें क्लियर हो जाएगी ठीक है अब कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ये भी दो सिचुएशन होना कौन कौन सा डिविडेंड पैट और नॉट पैट
अब एक साल बाद मान लो हमें इन्वेस्टमेंट बजट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, 7 लाख रुपए, चाहे आप डिविडेंड पैड करो चाहे मत करो, आपका इन्वेस्टमेंट बजट कितने का है? सात लाख, और चाहे आप पैड ना करो तो भी कितना, 7 लाख। अब सवाल ये है कि इन 7 लाख रुपए का आप अरेंजमेंट कहां से करोगे, अरेंजमेंट पैसा कहां से आएगा? सर हम बैंक से लोन ले सकते? नहीं, एमएम की अजम्पशन है आप बाहर से कुछ भी फाइनेंस नहीं करवाओगे, सिर्फ और सिर्फ पैसों का अरेंजमेंट इंटरनली आपके पास होना चाहिए, या तो आप इक्विटी से, या तो नया शेयर्स इश्यू करोगे, या तो पहले जो रिजर्व है उसका यूज करोगे। क्या हमने हमने कुछ कमाया था? हाँ सर, हमने 5 लाख रुपए कमाया था, तो बेशक 7 लाख रुपए लग रहा है उसमें से 5 लाख यूज कीजिए ना, दिक्कत क्या है? 2 लाख रुपए के आप नया इक्विटी शेयर इश्यू कर देना, पूरा फाइनेंस इक्विटी के थ्रू। पर समस्या क्या है? समस्या क्या है कि अगर मैं कहता हूं पहला वाला लेता हूं डिविडेंड पैड, यहां हमने जोश में आके डिविडेंड दे दिया था, कमाया था 5 लाख, पर एक शेयर पर 3 रुपए डिविडेंड दे दिया, मतलब 3 लाख रुपए तो आप डिविडेंड दे दिए, तो आप बचा नहीं पाए, तो सोचो यहां कितना बचा होगा। सर कमाया था 5 लाख और 3 लाख रुपए तो हमने डिविडेंड दे दिया, तो यहां तो हमारे पास 2 लाख रुपए ही बचे हैं, और थैंक गॉड यहां डिविडेंड नहीं दिया, तो पूरा 5 लाख यूज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना, इसमें आप डिविडेंड दे चुके थे तो आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही बचा, और इसमें 5 लाख, तो चेक करते कि हमें और कितने पैसों की जरूरत है, फंड रिक्वायर्ड, फंड और कितना चाहिए। सर हमें इसमें तो 5 लाख चाहिए, और सर यहां 2 लाख रुपए और चाहिए। ओके, तो सर अब इन पैसों की व्यवस्था कहां से करोगे बेटे? नया शेयर इश्यू करोगे एक साल बाद, और एक साल बाद शेयर जो इश्यू पे होगे वो तो एक साल बाद के प्राइस पे होगे। सर शेयर इश्यू करने पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट? नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एजम्पशन। यहां एक साल बाद कितने रुपए में शेयर इश्यू होगा? 169.50, ये दिख रहा है आपको, और यहां 172.50। तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगी? यस, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, 5 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 169.50, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2949.852। सर शेयर्स फ्रैक्शन में इश्यू हो सकते कि? यस, हमारे SFM में शेयर फ्रैक्शन में इश्यू हो सकते, और यहां आ गया 1159.420 शेयर्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेप बचा, और लास्ट स्टेप क्या बचा हुआ? थर्ड स्टेप, नंबर थर्ड, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। दोनों ही कंडीशन में निकालते हैं, कौन कौन सा? डिविडेंड पैट, और दूसरा क्या आएगा? नॉट पेट। अभी यहां क्या करना, अब ले लो नंबर ऑफ शेयर्स, तो एग्जिस्टिंग, सर एग्जिस्टिंग तो 1 लाख शेयर्स हैं, प्लस न्यू शेयर्स, यहां कितने इश्यू है? 2949.852, और यहां 1159.420 शेयर्स, तो टोटल मिलाकर यहां शेयर्स कितने हो गए? 1029.49.852 और 1011.59.420 शेयर्स। ये शेयर्स कब है? एक साल बाद, तो एक साल बाद के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेल्थ जाएगा इनटू P1, 169.50 और 172.50।
चेक कर लेते कितना आ रहा है, 10249.852 into 169.50, तो आंसर आ गया 1,74,00,000। अब बताओ बेटे क्या वेल्थ में कोई चेंज हुआ? नहीं। चाहे आप डिविडेंड दे रहे हो, चाहे आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो बस MM कुछ नहीं है। थोड़ा सा बहुत सारी एजम्पशन लेके काम हुआ कि यार हम पैसों का अरेंजमेंट सिर्फ यहीं से होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, टैक्सेशन नहीं है अर्निंग्स पे, बहुत सारी चीज़ें। खैर जो भी हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता, तीन स्टेप्स में काम करना है। पहले P1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालना पड़ेगा, और फिर वेल्थ निकालना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि देखो शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बुक से कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा काम। तो एक क्वेश्चन ले रहा है बुक से, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 40। देखते क्या बोल रहा है। लिखा डायमंड इंजीनियरिंग कंपनी हैज 10,00,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर 2003। तो भाई पहले से 10,00,000 शेयर्स है, रूलिंग मार्केट प्राइस पर शेयर इज 150, दिस इज P0, आज का प्राइस 150। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को डिक्लेयर करना चाहती है 8 रुपए शेयर एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, 8 रुपए डिविडेंड देना चाहते हैं। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12%, दिस इज K। मोरओवर बेस्ड ऑन MM कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड का ही मांग रहा होगा, तो हम पहला काम तो करें। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। तो सिचुएशन ले लेते हैं, पहले मैं क्या लेना, पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या? यस सर। P1 इज इक्वल टू P0 1+KE-D। पहले मैं क्या ले लें, पैट या डिक्लेयर्ड जो लिखना लिख सकते। अब दूसरे में क्या ले लेते हैं, नॉट पैट। तो चलो P1 इज इक्वल टू कितना है जी, P0 150, पैट के ही कितना है 1.12 और डिविडेंड कितना है 8, और यहाँ क्या आएगा 150 into 1.12, सीधा सीधा डिविडेंड तो आएगा नहीं, माइनस जीरो कर दो अगर दिक्कत हो तो 150 into 1.12 - 8, तो यहाँ जाएगा बेटे ₹160 और नो डाउट यहाँ जाएगा 168। पॉइंट नंबर टू, वन तो हो गया, P1 निकालना था, डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर्ड। अब पॉइंट नंबर टू, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इश्यूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट इनकम है 2 करोड़, 2 करोड़ मतलब 200 लाख और इन्वेस्टमेंट बजट है 400 लाख, the above dividend are distributed or they are not distributed, मतलब पैट नंबर ऑफ न्यू शेयर्स मांगा,
नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। दो सिचुएशन, पैट या डिक्लेयर्ड या फिर नॉट पैट। तो सबसे पहले भाई इन्वेस्टमेंट बजट देख ले। यस सर। इन्वेस्टमेंट बजट चेक करो कितने लैक्स का, 4 करोड़, मतलब 400 लाख, 00 लेकर कर रहा हूँ, 400 लाख, 4 करोड़। माइनस क्या करोगे, रिटेन अर्निंग्स, यहां तो जोश में आके पैट कर दिया। आपकी नेट इनकम कितनी सर? हमारी नेट इनकम थी 200 लाख, 2 करोड़, उसमें से हमने डिविडेंड दिया एक शेयर पर 8 रुपए, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख। तो सर टोटल हमने 80 लाख तो डिविडेंड ही दे दिया, तो यहां बचा हमारा 120 लाख ही बचा पाए। कमाएं कितना, 200 लाख, उसमें से 80 लाख आपने डिविडेंड दे दिया, तो 120 लाख बचा, और यहां तो डिविडेंड ही नहीं दिया, तो पूरा कितना, 200 लाख बचेगा। तो चेक करो कि कितना फंड चाहिए आपको, फंड रिक्वायर्ड, यहां तो हमको 280 लाख चाहिए और यहां हमको चाहिए 200 लाख। तो सर अब क्या करना पड़ेगा, नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा, किस पे, 1 साल बाद के प्राइस पर, यहां 160 और यहां 168, तो यहां क्या आ जाएगा बेटे, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। तो यहां हमको नए शेयर इश्यू करना पड़ेगा 1,75,000 शेयर्स, और यहां इश्यू करना पड़ेगा 1,19,047.619 शेयर्स। तो दो काम कर चुके हैं हम, अब तीसरा क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, शो दैट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन द सेम वेदर डिविडेंड आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। आल्सो फाइंड आउट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अंडर बोथ द सिचुएशन। सीधी सी बात है, अभी करना कुछ नहीं है, अभी हम लोगों को शेयर होल्डर की वेल्थ निकालना, मतलब पॉइंट नंबर 3 करने जा रहे हैं। और क्या निकालोगे, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। दोनों ही सिचुएशन ले लेते हैं, पैट नॉट पैट। एग्जिस्टिंग शेयर्स, पहले से 10 लाख शेयर्स है, प्लस न्यू शेयर्स, नए शेयर्स कितने इश्यू है, 1,75,000 शेयर्स, और यहां 1,19,047.619 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएगी, 11,75,000 शेयर्स, यहां 11,19,047.619 शेयर्स।
चूंकि मुझे वेल्थ निकालना है इसलिए पी वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 160, 168, तो यहां जाएगा वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स। $18 crore, $80 lakhs (11,19,047.619 × 168) यहां भी इतना आएगा। तो क्या वेल्थ में कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है। एमएम एमएम में कुछ रखा नहीं है, एक काम ले लो एमएम, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करवाया, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। 16 क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आंसर दिया 16 और 17 में, और 18 में तो कर ही सकते हो, कोई स्पेशल नहीं। तो ये होमवर्क है और एमएम हमारा खत्म है। एमएम में कुछ स्पेशल नहीं है बेटा, एक्स्ट्रा मत सोचना। पीएम ने भी ऐसे ही सॉल्व करवा रखा, ऐसे ही करोगे, कुछ नहीं। आपको प्रूव करना होता है कि वेल्थ में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू।